This series is very important for the students who are preparing for NIC Milet, Scientist B as well as Scientist A. We are covering all the previous year questions from 2016 to 2022. So, all the last 7 year questions we have already covered, we are, we are covering all of these questions in this series. And if you like the session, please subscribe to the channel and share with your friends. And at the same time, please install our Android app from the Google Play Store. And you can also use our contact numbers. that is 9821876104 now let's start hello everyone and welcome to this session again this वन एंड सेशन अगेन दिरी इंटरेस्टिंग session. ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि एन आई सी नी नेट की तैयारी कर रहे हैं आज इस सेशन के अंदर हम जितने भी हमारे पास एन आई नेट के जो भी प्रिवियसअर क्वेश्चन हैं हम लोग यहाँ से कवर करेंगे अब जैसे हमारे पास मैंने पास्ट में कैसे सीरीज मैंने यहाँ से बनाई थी जहाँ से हम एन आई सी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे आज भी हम इसी सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे और सभी जो क्वेश्चन है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं आई होप ये जो सेशन है आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है चलो वी विल स्टार्ट स्टार्ट करते हैं और जो बच्चे ऑनलाइन है एक बार चैट में रिप्लाई कर दे ताकि अपने सेशन को हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर पाए चलो स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉब्लम बिलोंग्स टू विच डोमेन ऑफ द प्रॉब्लम जो नाप्सक प्रॉब्लम है वो किस डोमेन का पार्ट है नंबर वन ए इज ऑप्टिमाइजेशंस नंबर बी इज एन पी कम्प्लीट सी इज लीनियर सॉल्यूशंस एंड नंबर डी इज शॉर्टिंग तो जनरली जब नापसिक प्रॉब्लम होती है दो तरह के नापसक प्रॉब्लम के एल्गोरिथम्स आती हैं पहला है हमारे पास दैट इज फ्रैक्शन एंड द सेकेंड वन इज जीरो वन अब जो फ्रैक्शन एपसेक है दैट इज अ पार्ट ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम वो ग्रीडी पार्ट है और उसी तरीके से मैं जीरो वन यूज़ करता हूँ दैट इज अ पार्ट ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग अब जनरली जो दोनों एल्गोरिथम्स आती है दोनों एक ही पर्पज़ है पर्पज ये है कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना यानी कि आई अवॉन्ट टू मैक्सिमाइज बाई प्रॉफिट प्रॉफिट अब जो ऑप्टिमाइज करना है सो दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन वो ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है सो दैट इज बाई द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए ए जो है वो इसका सही आंसर है ठीक है, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आपके पास है, वो किस बेसिस पर वो है राइट नंबर ए इज गिम नंबर बी इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऑप्शन नंबर सी इज बैक ट्रैकिंग एंड डिवाइड एंड कंकर ध्यान देना हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमने पहले भी सॉल्व कर चुके हैं बट आज मैंने क्या किया कि, सीरीज़ बिगनिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ यानी कि जो क्वेश्चन पहले मैंने कवर नहीं किए हैं तो वो सभी चीज़ें हैं मैं यहाँ से कवर कर रहा हूँ ताकि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं कोई रिपीटिक क्वेश्चन नहीं लूँगा राइट जन में क्या होता है कि मैंने पहले एक दूसरे चैनल पे मैं क्लासेस में ले रहा था तो वहाँ पर जो क्वेश्चंस थे वो रिपीटिशन उसमें बहुत सारे रिपीटेशंस थे मतलब मैं लगभग तीन या चार महीने से एक ही सीरीज़ वहाँ से चल रहा था लेकिन आज इस सीरीज़ से हम एक स्टार्टिंग से करेंगे और इसमें रिपीटिशन क्वेश्चन यहाँ पर नहीं रहेंगे जनरली uh, हम so, हमारे पास दो तरह के हैं जैसे ग्रीडी हैं जैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग है अब जैसे ग्रीडी एल्गोरिथम के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं जैसे फ्रैक्शन हुआ इज अ पार्ट ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम जॉब सिक्वेंसिंग द डेडलाइंस दैट इज अ पार्ट ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम्स ऑप्टिमल मर्ज मैटर पैटर्न दर इज अ पार्ट ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम्स हफमैन कोड प्रिंस एंड क्रिस्कल्स का पार्ट है सो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओके okay? और जिन स्टूडेंट ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो अपकमिंग मेरी सारी क्लासेज हैं इस चैनल पर ही रहेंगी आप इस पूरी सीरीज को भी अब यहाँ से इंजॉय कर पाए नंबर सोल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन सो द क्वेश्चन इज सही एन एलिमेंट इन एलिमेंट इन अरे एक्स इज कॉल्डर आपके पास एक एल्गोरिथम है जहां पर हम एक लीडर को हम लोग सेट करते हैं अब लीडर होता क्या है एलिमेंट्स यानी कि एक ऐसा एलिमेंट है पूरे अरे के अंदर जहाँ पर एक एलिमेंट जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है और उसके राइट right वाले सारी वैल्यू है वो हमेशा छोटी रहेगी नाउ द बेस्ट एलगोर्थम टू फाइंड ऑल द लीडर्स इन एन अरे तो इसकी बेस्ट जो अरे है मतलब कौन से ऐसे एल्गोरिथम है जो हम यहाँ से यूज करते हैं तो पहले आपको समझाता हूँ कि हमारे पास लीडर का मतलब क्या होता है एक एग्जाम्पल लेता हूँ डेट टेक एन अरे अरे मैं यहाँ से बना रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आएगी चीज़ें टू सपोज दैट वी हैव द फर्स्ट इज सिक्सटीन देन वी हैव फोर वी हैव एज एज वेल अब जनरली इसमें से बताना है कि हमारे पास ग्रिड लीडर क्या है अब जैसे फर्स्ट ऑप्शन है यहां पर सिक्सटीन अब सिक्सटीन जो है वो एक लीडर नहीं है क्यों क्योंकि इसके राइट right में जितने भी एलिमेंट है उसमें से एक ऐसा एलिमेंट है जो इससे बड़ा है तो इसलिए 16 जो है वो एक लीडर नहीं हो सकता नेक्स्ट आपके पास 17 है एंड यस yes, 17 इज ए लीडर क्यों क्योंकि इसके राइट right के जितने भी एलिमेंट है वो सब यहां से बड़े हैं उसके बाद फोर जो है वो लीडर नहीं है थ्री जो है वो भी लीडर नहीं है बट यस फाइव जो है वो एक लीडर है क्योंकि इसके राइट right के जितने भी एलिमेंट है वो इसे छोटे हैं उसी तरीके से टू जो है वो भी एक लीडर है क्योंकि इसके राइट में कोई एलिमेंट नहीं है तो यानी कि इस पूरे अरे के अंदर लीडर्स लीडर कौन कौन से होंगे दैट इज सेवनटीन फाइव एज टू ये तीनों जो है वो यहाँ पर लीडर है अब मैं एक और एग्जाम्पल में यहाँ से देता हूँ ताकि ये क्लियरिटी आपको यहाँ से और अच्छे से आपको मिल जाए लेट अस टेक वन मोर अरे एक और अरे में यहाँ से देता हूँ देख लेते हैं हमारे पास जो लीडर है वो कौन कौन से होंगे लेट अस सपोज वी हैव फोर फाइव एज वेल एज टू तो सबसे पहला एलिमेंट वन है वन क्या लीडर है नहीं ए जो है वो लीडर नहीं है टू क्या वो लीडर है नहीं वो भी लीडर नहीं है थ्री जो है वो भी लीडर नहीं है फोर जो है वो भी लीडर नहीं है फाइव जो है वो एक लीडर है क्योंकि इसके राइट right में सभी एलिमेंट है वो इससे सबसे छोटे हैं तो फाइव इज ए लीडर उसी तरीके से टू जो है वो भी एक लीडर है क्योंकि इसके राइट right में कोई और एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इसे बड़ा है तो यानी कि फाइव और टू दोनों जो है वो यहाँ पर लीडर हैं अब जनरली इस सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब बहुत सारे एल्गोरिथम्स आप यहाँ से बना सकते हैं जैसे सबसे ईजिएस्ट तरीका है वो आपके पास नेव एल्गोरिथम जो हम लोग यहाँ से बनाएंगे तो जो 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 उसकी टाइमिंग कॉम्प्लेक्स निकलेगी दैट इज़ बिग ऑफ एन स्क्वायर और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज़ बिग बिग ऑफ वन और ये जो है वो नेव इम्प्लीमेंटेशन है लेकिन इसके अलावा भी थोड़ी ऑप्टिमाइज करके भी एक एल्गोरिथम यहाँ से बना सकते हैं जहाँ से इसकी जो बेस्ट जो टाइम कॉम्प्लेक्स निकलेगी दैट इज़ बिग ऑफ एन और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी बिग ऑफ एन ही यहाँ पर रहेगी ठीक है और ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक लीनियर एल्गोरिथम है अब इस एल्गोरिथम के लिए अगर आपको कुछ एग्जाम्पल चाहिए कुछ पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में तो एक लिंक मैं आपको यहाँ से स्क्रीन पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिस लिंक को भी आप यहां से यूज कर सकते हैं सो दिस आर एग्जाम्पल ऑफ लीडर्स इन एन अरे ठीक है तो जो पहली एल्गोरिथम uh, आप चेक करेंगे दिस इज द नेव अप्रोच जब नेव अप्रोच आप यूज करते हैं तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर निकलती है दैट इज एन स्क्वायर तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो यहाँ पर स्क्वायर निकलती है और स्पेस जो है बिग ऑफ वन है लेकिन अगर थोड़ा सा ऑप्टिमाइज तरीके से अगर एल्गोरिथम को हम लोग यूज़ करते हैं तो यहाँ से जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन यहाँ से आई एम सॉरी दो जो ऑक्सिलरी स्पेस है दैट इज़ बिग ऑफ वन यहाँ से यूज़ करते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी बेटर सोल्यूशन और उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर है उसी तरीके से एक और सोल्यूशन है यहाँ से द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ बिग ऑफ एन एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज़ ऑल्सो बिग ऑफ एन तो इन दोनों सॉल्यूशंस में से आप इसको लीनियर टाइम पर इस सॉल्यूशन को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं तो इसी वजह से इस क्वेश्चन में इसी बारे में पूछा गया था कि आपके पास क्या हम इस प्रॉब्लम को जो लीडर वाली जो प्रॉब्लम है क्या हम हम इसको सबसे कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं जो टाइम होगा क्या वो लीनियर है करेक्ट आंसर इज यस द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी बी जो है वो आपका सही आंसर है लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर सेइंग टू अल्टरनेटिव पैकेज ए एंड बी आर अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग अ डेटाबेस के आपके पास दो पैकेज है पैकेज है पहला है हमारे पास ए और दूसरा है आपके पास बी ठीक है एंड दे हैं अगर मैं पैकेज ए को यूज कर रहा हूं तो जो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है that is N square time है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स राइट सेकेंड से मैं नहीं किया गया वो इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स में यहां पर पूछा गया है उसी तरीके से अगर मेरे पास पैकेज बी है तो बी में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज एन लॉग एन यहां पर गिवन है दैट टर्म्स टर्म्स इन ऑफ यूनिट्स और टोटल आपके पास एन रिकॉर्ड्स हैं नाउ वट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पैकेट बी विल बी प्रिफर्ड ओवर ओवर ए तो ये स्टेटमेंट जो है वो यहां से गिवन है तो एम गिविंग यू सम टाइम कुछ टाइम लो और गिव द लोवर दिस क्वेश्चन बाय द वे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा थोड़ा सा टकी है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लगभग एक से दो मिनट टाइम ऑब्वियसली आपको लगेगा ही लगेगा बट फिर भी बिकॉज आज पहली सीरीज है तो मैं थोड़ा ज़्यादा स्पीड से मैं इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूँ और शायद मुझे लगता है सारे क्वेश्चन आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं तो द करेक्ट आंसर हेयर इज़ ऑप्शन नंबर सी सी इसका सही आंसर है तो समझने की कोशिश करते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं देखो दो चीज़ें यहाँ पर गिवन है सबसे पहले हमें गिवन है कि जब आपके पास पैकेज ए है जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो यहाँ पर गिवन है उसी तरीके से बी के जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी यहाँ पर गिवन है और साथ साथ एक और स्टेटमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ उन्होंने बोला है कि बी विल बी प्रिफर्ड ओवर ए बी जो है हम उसको बी को प्रिफर करेंगे एस टर्म्स ऑफ ए तो वो किस कंडीशन पर ऐसा हो सकता है अगर मैं कुछ ऐसा बोलता हूँ कि बी कब प्रीफर करेंगे जब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी यानी कि अगर ए और बी दोनों कंपेयर करना है ना कि जिसका टाइम कम होगा जिसका टाइम जो टाइम कम लगेगा तो विस इज दैटी मच बेटर इसी वजह से हमें पूछा गया है कि बी विल बी प्रीफर टू ए इसी वजह से अगर मैं स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करूँ अगर मेरे पास टेन एन लॉग एन बेस टेन इफ दिस वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो 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 वन एन स्क्वायर जब हम बोलेंगे B will be preferred as compared to A. तो हम स्टेटमेंट को यहाँ से बोल सकते हैं ठीक है अब जैसे दोनों स्टेटमेंट को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आपके पास n गिवन है और यहाँ पर आपके पास n स्क्वायर है तो यानी कि मैं इस n की जो पावर है उसको मैं यहाँ से हटा दूंगा और दूसरी चीज है ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है वो आपके पास जीरो पॉइंट जीरो 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 वन है तो यानी कि वन बाई टेन थाउजेंड मैं इसको बोलूँगा यानी कि स्टेटमेंट कुछ ऐसा होगा टेन लॉग एन

लॉक टेन बेस टेन इज लेस इक्वल टू टेन रेज पावर के माइनस फाइव ये रिलेशनशिप यहाँ से आपके पास आ जाएगा ठीक है और ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू कितनी होगी दिस वैल्यू इज एक्चुअली वन तो यानी कि के इज लेस देन इक्वल टू टेन रेज पावर के माइनस फाइव ठीक है तो ये रिलेशनशिप हो गया ठीक है और इस रिलेशनशिप में ये जो स्टेटमेंट हो गया आपके पास वो b को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से b को ए को रिप्रेजेंट कर रहा है

ज लेस इक्वल टू टेन रेज पावर फाइव माइनस फाइव और फाइव इज लेस देन इक्वल टू वन और ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से फॉल्स है यानी कि अगर मैं के, के वैल्यू को फाइव दूंगा तो यह कंडीशन जो है यहां से फॉल्स होगी लेकिन अगर मैं इस के वैल्यू को मैं सिक्स दूंगा तभी स्टेटमेंट जो है यहाँ से वैलिड होगी यानी कि अगर मैं के, के वैल्यू की जगह पर मैं सिक्स रुकूंगा तो क्या होगा सिक्स इज लेस देवल टू टेन रेज पावर सिक्स माइनस फाइव और सेकेंड से सिक्स इज लेस देन इक्वल टू टेन एंड यस ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ से ट्रू होगी इवन दो अगर मैं इसे और भी बड़ी वैल्यू को पुट करने की कोशिश करेंगे देन यू अंडरस्टैंड कि तब भी ये स्टेटमेंट जो है यहाँ से वैलिड है बट इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि वर्ट द स्मॉलेस्ट वैल्यू इस के की सबसे छोटी और स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पर क्या है यानी कि जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो यहाँ पर सिक्स होगी इसी वजह से सी इज द करेक्ट आंसर सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि फ्यूचर की सारी जो क्लासेस हैं मैं इस चैनल पर हमारे इस चैनल पर ही यहाँ पर रहेगा ठीक है चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं यहाँ से व्हाट इज द रनिंग टाइम ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एक फंक्शन जो है वो यहाँ पर गिवन है आपको इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे बतानी है सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है तो समझने की कोशिश करते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं तो हमारे पास एक एन की वैल्यू यहाँ पर गिवन है उसी तरीके से मेरे पास एक आई है और यहाँ पर जे की एस की वैल्यू यहाँ पर है आई एम एज्यूमिंग दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ आई जो फाइव यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है और एस की वैल्यू जो है वो इनिशियली इसकी वैल्यू वन है तो हम स्टे, स्टेटमेंट को हमें चेक करना है क्या इफ दिस वन इज लेस देन इक्वल टू एन जब ये यह स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है तो हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे यानी कि नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू हो जाएगी आपके पास टू और इस एस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी दैट इज टू प्लस वन यानी कि वैल्यू थ्री को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है अब उसी तरीके से नेक्स्ट टाइम हम वापस जाएंगे और चेक करेंगे क्या ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं है यानी कि क्या इस वैल्यू थ्री को हम लेस देन इक्वल टू एन बोल सकते हैं अगर ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू है तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या होगा तो ऑब्वियसली हमारे पास आई की वैल्यू आपके पास थ्री हो जाएगी ठीक है मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गए तो आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर थ्री और एस की वैल्यू यहाँ पर होगी दैट इज थ्री प्लस टू प्लस वन यानी कि दिस वैल्यू इज एज यू नो सिक्स ठीक है क्योंकि स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर दो चीज़ें हैं यहाँ पर एस और आई इन दो वैल्यूज को यहाँ पर मैंशन किया गया है यानी कि ये जो एस की वैल्यू थी वो यहाँ पर थी ठीक है यानी कि हमने इस वैल्यू थ्री को यूज कर दिया है मतलब थ्री इसको यूज़ किया है और आई की जो वैल्यू है वो यहाँ पर थ्री है जो उसको इधर यूज किया गया दिस इज प्रेजेंटिंग आई ठीक है नेक्स्ट हम चेक करेंगे क्या सिक्स इज लेस देन इक्वल टू एन एंड यू कैन सी यस ये कंडीशन यहां पर ट्रू है अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो यहां पर आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी फोर और एस की वैल्यू यहां पर आएगी दैट इज एस प्लस आई दैट इज एस की वैल्यू होगी आपके पास सिक्स आई मीन फोर और आई की वैल्यू दिस इज प्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ आई और एस की जो वैल्यू है वो आपके पास सिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि आप कुछ ऐसे बोल सकते हैं दैट इज फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन यानी कि टोटल इसकी वैल्यू हो जाएगी दैट इज टेन इसकी वैल्यू यहाँ से टेन होगी नेक्स्ट टाइम चेक करेंगे क्या टेन इज लेस देन इक्वल टू एन और नॉट अगर ये स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है नेक्स्ट टाइम हम आई की वैल्यू को फाइव बोलेंगे और इस एस की वैल्यू जाएगी एस प्लस आई और यू कैन से दिस इज प्रजेंटिंग एज आई प्लस टेन और यू कैन से दैट इज फिफ्टीन यानी कि स्टेटमेंट कुछ ऐसे बोल सकते हैं दैट इज फाइव प्लस फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन ये स्टेटमेंट यहाँ पर निकलेगी एंड दिस वैल्यू इज रिप्रेजेंटिंग एज फिफ्टीन वो यहाँ पर फिफ्टीन को इधर दिखाएगा ठीक है यानी कि अगर इन सभी ऑप्शन को एनालाइज करो ठीक है अगर आपके पास आई की वैल्यू वन थी तो एस की वैल्यू वन थी अगर आई की वैल्यू टू थी तो इस एस की वैल्यू हो जाएगी थ्री अगर आई की वैल्यू थ्री है तो एस की वैल्यू हो जाएगी सिक्स अगर i की वैल्यू फोर है तो s की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर टेन अगर i की वैल्यू फाइव है तो s की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर फिफ्टीन अगर i की वैल्यू सिक्स है तो s की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर दैट इज ट्वेंटी वन यानी कि एक तरीके से जो भी इनकी वैल्यू को यहाँ पर निकालना है अगर मैं i की वैल्यू को k बोलूँगा तो इस s की वैल्यू हो जाएगी दैट इज k इन टू के प्लस वन डिवाइड बाई टू ये वैल्यू यहाँ पर आएगी ठीक है थोड़ा क्लियर नहीं है तो फिर से बताता हूँ अगर आई की वैल्यू यहाँ पर के है तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी दैट इज के इंटू के प्लस वन डिवाइड बाई टू ये टोटल वैल्यू जो है वो इधर आपके पास आएगी ठीक है अब इसके बेसिस पर ही हम इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि कंडीशन जो है ये कंडीशन कब फॉल्स होंगी ये कंडीशन तब फॉल्स होंगी वेन वी हैव के इंटू के प्लस वन डिवाइड बाई टू जब ये वैल्यू जो है वो एन से बड़ी होगी तब ये कंडीशन जो है वो यहाँ से फॉल्स हो जाएगी ठीक है तो यानी कि अगर देखा जाए इस में कुछ ऐसा बोल सकता हूँ के स्क्वायर बाई टू प्लस के बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन और इन दोनों स्टेटमेंट से जैसे हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं ना तो एसिम्प्टोटिक हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं तो यानी कि सबसे बड़ी पावर है हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे तो आई कैन यूज़ इट इसको इग्नोर कर सकता हूँ मैं इसको भी ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है इसको इग्नोर कर सकता हूँ द वैल्यू ऑफ के इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन और यू कैन से द वैल्यू ऑफ के इज़

आंसर हियर सिंपल क्वेश्चन है वो किसका एग्जाम्पल है द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी एंड आंसर इज बैक ट्रैकिंग डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ to the next question here. द given array एक अरे जो है वो यहाँ से गिवन है सो वी हैव वन टू थ्री एज वेल एज वन टू फोर एज वेल एस थ्री नाउ देयर सेंग द बबल सॉर्ट इज यूज टू सॉर्ट द अरे एलिमेंट्स देन हाउ मेनी पासीज विल बी डन टू सॉर्ट द एलिमेंट यानी कि आपके पास जो अरे है अगर उसको हम बबल सॉर्ट को यूज करें और एलिमेंट हम लोग सॉर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास कितने पासिस की हमें ज़रूरत है हाउ मेनी पासिस वी नीड डी जो है वो इसका सही आंसर है एक्चुअली जो आंसर ना थोड़ी सी ट्रिकी है ट्रिकी नहीं है आई एम सॉरी स्टेटमेंट जो है ना थोड़ा क्लियर नहीं है वाई आई एम से नॉट क्लियर लेट मी एक्सप्लेन जनरली हमारे पास दो तरह की एल्गोरिथम आती हैं जैसे आपके पास एक बबल सॉट है और जो दूसरी एल्गोरिथम हमारे पास आती है इसको बोलते हैं इम्प्रूवड बबल सॉट इम्प्रूव बबल सॉट ठीक है अब होता क्या है कि जब भी हम बबल सॉर्ट को यूज़ करते हैं तो जो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो एन स्क्वायर ही यहाँ से निकलती है ठीक है इन द वर्स्ट केस और जो इसका बेस्ट केस है तब भी इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन स्क्वायर ही यहाँ से निकलती है लेकिन अगर हम इम्प्रूव बबल सॉर्ट को देखते हैं तो इसके वर्स्ट केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो एन स्क्वायर ही यहाँ से निकलती है लेकिन जो इसका बेस्ट केस है बेस्ट केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिकॉज एंड को रिप्रेजेंट करता है यानी कि अगर आपके पास एक एलिमेंट है इन किसी पास के बीच में अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा डेटा जो है वो यहाँ से सॉर्ट हो चुका है माई डेटा इज ऑलरेडी सॉर्टेड तब आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है तो वी जस्ट फाइंड द नंबर ऑफ पासिस ठीक है अब जैसे सरे को देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर एक एलिमेंट यहाँ पर गिवन है तो ये है वन टू फोर एज वेल एज थ्री बट एक चीज और समझने की कोशिश करना मोस्ट ऑफ द टाइम्स जितनी भी आप क्वेश्चंस आपके पास आते हैं चाहे आपके गेट के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं चाहे वो आपके पास एक यूजी नेट एग्जाम में आते हैं किसी भी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपके पास आता है तो जब भी हम बबल शॉर्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम एज्यूम करते हैं कि हम हमेशा इम्प्रूवड बबल शॉट की ही बात करते हैं वी डोंट टॉक अबाउट कि ये बबल शॉर्ट है या फिर इम्प्रूवड है हमेशा इसको सिर्फ बबल ही बोलते हैं बबल जो है वो सिर्फ इम्प्रूव बबल शॉर्ट की तरफ से ही बोला जाता है अब इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया है कि अगर मैं इसको बबल शॉर्ट को यूज़ करता हूँ तो आपके पास नंबर ऑफ पासिस जो है वो यहाँ पर थ्री होगी ठीक है जैसे अगर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ जैसे अगर मैं सिर्फ इसको बबल शॉर्ट को यूज़ करेंगे तो क्या होगा तो पहले पास नंबर वन को यूज़ करूँगा यानी कि अरे आपके पास कुछ ऐसा था वन टू फोर एज वेल एज थ्री तो यानी कि पहले वन और टू को कंपेयर करेंगे इट्स नॉट इट्स सॉर्टेड टू और फोर को चेक करेंगे ये भी सॉर्टेड है फिर फोर और थ्री है यस यहाँ पर चेंज होगी तो यहाँ पर आपके पास थ्री होगा और फिर यहाँ पर फोर होगा यानी कि अब अगर मैं पास नंबर टू पे आप जाएंगे तो अरेजमेंट कुछ ऐसा होगा वी हैव वन टू थ्री एज वेल एज फोर अब यहाँ से चेंज होगा क्योंकि अगर मैं सिर्फ बबल शॉट को यूज़ करता हूँ तो क्या होगा पहले वन और टू को कंपेयर करेंगे और फिर हम टू और थ्री को कंपेयर करेंगे और हमें फोर को चेक करने की जरूरत ही नहीं है ठीक है तो ये पास नंबर टू है तो हमें फिर पास नंबर थ्री हम लोग करते हैं ठीक है पास नंबर थ्री चेक करते हैं जब हम बबल शॉट को यूज़ करते हैं लेकिन अगर ये इम्प्रूवड बबल होता तो बबल शॉट इम्प्रूव बबल शॉट में हम यहाँ पर डन हो जाता और हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी ठीक है हमें पास नंबर टू में पता चल कि हमारा डेटा सॉर्टेड है तो हमें पास नंबर थ्री जाने की जरूरत है ही नहीं और अगर सिर्फ नॉर्मल बबल सॉर्ट है तो यहां पर क्या होगा यह एलिमेंट वन टू थ्री और फोर है तो हम सिर्फ वन और टू को कंपेयर करेंगे आगे बढ़ने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि उस केस में हमें टोटल एन माइनस वन पास ही करने पड़ेंगे टोटल ठीक है और अगर इंप्रूवड है तो केस में जहां पर पता चल कि हमारा डेटा सॉर्टेड है तो हमें आगे नेक्स्ट पास करने की जरूरत नहीं है तो अगर इम्प्रूव बबल सॉर्ट होता तो आपके पास टोटल दो पास देखने के पड़ते हैं लेकिन अगर जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी केस में हम इम्प्रूव बबल सॉर्ट ही एज्यूम करते हैं बट इनका जो ऑफिशियल आंसर था एन आई सी का वो ऑप्शन नंबर डी था सो आई एम जस्ट एज्यूमिंग बिकॉज दे आर ऑलरेडी गिवन द इसी वजह से आई कैन से डी करेक्ट आंसर बबल सॉट वो सिर्फ बबल शॉट को बात कर रहे हैं देर नॉट टॉकउट इम्प्रूव बबल सॉट ठीक है तो इसी वजह से डी विल बी द करेक्ट आंसर जो उन्हें गिवन है ठीक है चलो आई होप यू अंडरस्टैंड आपको समझ में आया होगा नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर ऑड वन आउट इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से ऑड है यस द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए ए जो है उसका सही आंसर सबको समझने की कोशिश करते हैं पहला जो है वो आपके पास मर्ज मर्सॉर्ट है तो मर्ज मर्सॉर्ट जो है डिवाइड एंड कनकर स्ट्रैटेजी है तो देता से इट इज डिवाइड एंड ठीक है दूसरा जो है टीवीएसपी टीवी एस पी जो है फुल फॉर्म ऑफ दैट इज योर ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम एंड दिस अ पार्ट ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग वो यहाँ पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग है ठीक है तीसरा जो है नैपसैक प्रॉब्लम है अब नैपसैक प्रॉब्लम के दो अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं नापसेक प्रॉब्लम में पहला जो होता है मेरे पास दैट इज फ्रैक्शनल नापसेक फ्रैक्शनल नापसेक एंड द सेकंड वन इज योर यक ठीक है अब ध्यान देना अगर आपके पास फ्रैक्शन नाप्सैक है तो उसको यूज करने के लिए हम ग्रीडी एल्गोरिथम को हम इस क्वेश्चन को ऑब्वियसली सॉल्व कर सकते हैं लेकिन ध्यान देना इन सेम प्रॉब्लम को हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग से भी सेम प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है चाहे फ्रैक्शनल है फ्रैक्शनल को ग्रीडी से भी यूज़ कर सकते हैं सेम प्रॉब्लम को डायनमिक प्रोग्रामिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं बट डायनमिक में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है ग्रीडी जो है वो थोड़ा सा ईजी रहता है अगर हम जीरो नैपसैक है तब भी हम इसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग से ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो बिकॉज इस क्वेश्चन में सिर्फ नैपसैक प्रॉब्लम पूछा गया है देन नॉट एक अबाउट की ग्रीडी है या फिर डायनेमिक है तो इसी तरीके से इस प्रॉब्लम को मैं बोलूंगा कि ये सिर्फ हम इसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग से ही हम इसको यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं तीसरी जो प्रॉब्लम है द सेट ओ बी एस टी यानी कि हम इसको ऑप्टीमल बाइनरी सर्च ट्री हम लोग यहाँ से बोलते हैं एंड दैट इज अग्जाम्पल ऑफ नैप्सैक प्रॉब्लम ये भी जो है वो नैपसेक का ही पार्ट है इन सभी में से ऑड क्या है तो ए इज ऑड यानी कि डिवाइड एंड करने का स्ट्रैटेजी जो है वो यहाँ पर ऑड वैल्यू है ठीक है सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है सो आई होप यू अंडरस्टैंड आपको समझ में आया नेक्स्ट क्वेश्चन

करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एलगोर्थम जो है उसपे आपकी वैल्यूज यहाँ पर क्या रहेगी क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है और आपकी जो आपको पता होना चाहिए कैसे हम इस मल्टीप्लीकेशन को यहाँ से कर सकते हैं यानी कि हम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इन सभी वैल्यू को हम यहाँ से निकाल सकते हैं द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है यानी कि समझने की कोशिश करते हैं यानी कि जो आपके पास रो है मैं इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा यानी कुछ ऐसा होगा आपके पास वन मल्टीप्लाइड बाई एट प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाई सिक्स तो पहली लोकेशन यहाँ पर आएगी दूसरा होगा अगेन वन मल्टीप्लाइड बाई फोर प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू उसी तरीके से वी हैल्टीप्लाइड बाई एट प्लस सेवन मल्टीप्लाइड बाई सिक्स एंड सेम टाइम वी है मल्टीप्लाइड बाई टू यानी कि इन वैल्यू को अगर देखने की कोशिश करेंगे पहली वैल्यू कितनी होगी आपके पास दैट इज एट प्लस एटीन दूसरी जो वैल्यू है आपके पास दैट इज फोर प्लस सिक्स नेक्स्ट वैल्यू हो गया आपके पास फोर्टी प्लस आई थिंक दिस फोर्टी टू एंड दिस वैल्यू है ज ट्वेंटी प्लस फोर्टीन यानी कि मैट्रिक्स कुछ ऐसा हो जाएगा आपके पास दैट इज दिस वैल्यू इज ट्वेंटी सिक्स नेक्स्ट वैल्यू हेयर इज टेन दिस वैल्यू इज एटी टू एंड दिस वैल्यू हीयर इज थर्टी फोर आई थिंक कुछ वैल्यू जो है हमारे पास आएगी ठीक है आई थिंक कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं बट इन विज पहली वैल्यू को चेक को कर लो ये सी वन वन को रिप्रेजेंट करा है और सी वन वन से किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा इट इज़ मैचिंग विद ऑप्शन नंबर डी यानी कि पहली वैल्यू आपके पास ट्वेंटी सिक्स है जो हमारे पास आ रही है दूसरी वैल्यू टेन है जो यहाँ पर आ रही है फिर आपके पास एटी टू है जो यहाँ से मैच कर रहा है और फिर लास्ट आपके पास है थर्टी फोर वो यहाँ से दिखा रहा है तो इसी वजह से डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड एल्गोरिथम इज नॉट डायनेमिक प्रोग्रामिंग बेस्ड कौन सी ऐसी एल्गोरिथम जो है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड नहीं है फर्स्ट इज बेलमेन फोर्ड एल्गोरिथम, ऑप्शन नंबर बी इज फ्लॉयड वार्शर्स एल्गोरिथम, नंबर सी इज जीरो वन नैपसेक एंड डी इज प्रिंस मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी डी इसका सही आंसर है क्योंकि हम बेलमेन फोर्ड एल्गोरिथम जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ वो जो है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का ही पार्ट है दूसरा जो है फ्लोइड वॉशर्स एल्कोर्थम दैट इज ऑल पे शॉर्टेस्ट पाथ दट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ

and longest common subsequence problems is a example of which of the following Ye, example hai? that is the correct answer the correct answer here is dynamic programming this is dynamic programming ka hi part hai. so a is the correct answer of this question okay Chalo, next let g be a graph with n vertices and m edges what is the tightest upper bound on running time of depth first search algorithm in g रिप्रेजेंटिंग यूजिंग मैट्रिक्स तो इस केस में आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो यहाँ पर क्या होती है जब हम बेथ फर्स्ट सर्च एलगम जो हम, हम लोग यूज करते हैं तो इस केस में वट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हियर द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी सी जो है वो आपका सही आंसर है ठीक है चलो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस

तो फ्लोइड वॉशर्स एल्गोरिथम जो है द पार्ट ऑफ विच इज ऑल पे शॉर्टेस्ट पाथ ठीक है तो ये उसका ही पार्ट है और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी यहाँ पर गिवन है ठीक है सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी बी इसका सही आंसर है विच इज द फॉलोइंग एल्गोरिथम्स कैन बी यूज्ड टू मोस्ट एफिशिएंटली फाइंड वेदर साइकिल इज प्रेजेंट इन द ग्राफ और नॉट आपके पास कौन सी एल्गोरिथम है जो सबसे एफिशिएंट है यह बताने के लिए कि ग्राफ में कोई साइकिल है या फिर नहीं है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम ठीक है तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ठीक है ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि एनआईसी आई की प्रिपरेशन कर रहे हैं आज इस सेशन के अंदर हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और जो टॉपिक हमारे पास रहेगा वो एल्गोरिथम्स रहेगा तो हम एल्गोरिथम्स के जो क्वेश्चन है आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेशन जो है इंटरेक्टिव है आपको किसी भी टाइम पर आपको लगता है कि आपको कुछ डाउट है कुछ करी है तो आप फ्री होकर किसी भी टाइम पर मुझे डाउट यहाँ से पूछ सकते हैं क्योंकि इंट्रैक्टिव है तो ऑब्वियसली बेनिफिट यही होता है कि आप और मैं हम लोग मिलकर यहाँ से बात करेंगे तो बेनिफिट यहाँ से मिलता ही है तो विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन ठीक है क्योंकि सेशन इंटरेक्टिव है बेनिफिट मिलेगा ठीक है और उसके साथ साथ अगर आप एन आई सी नेट की तैयारी करना चाहते हैं गेट की तैयारी करना चाहते हैं या यू जी सी नेट कंप्यूटर साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप डिजीमेंटल एजुकेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हमारे जो एंड्रॉयड ऐप है वो अवेलेबल है और यहाँ पर फ्यूचर के बहुत सारे क्लासेस हैं जो हमारी एंड्रॉयड ऐप में भी होने वाली हैं तो जो भी हमारी एंड्रॉइड ऐप है आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर या फिर पूरी डिटेल्स लेने के लिए आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉल सकते हैं कर सकते हैं दैट इज नाइन एट टू वन एट सेवन सिक्स वन जीरो फोर इस नंबर पर आप यहाँ से यूज कर सकते हैं स्क्रीन आई थिंक आपने क्वेश्चन आपने देखा ही होगा ठीक है आंसर मैं यहाँ बताऊँ कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे सो बाय द वे द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझना पड़ेगा कि मैट्रिक चेंज मल्टीप्लीकेशन कैसे काम करता है और इसके दो अलग अलग मेथड्स हैं या तो आप इसको डायनमिक प्रोग्रामिंग से बना सकते हैं तो डायनमिक प्रोग्रामिंग से मल्टीप्लीकेशनस करना थोड़ा सा ईजी रहेगा क्योंकि टाइम बचेगा काफ़ी ज़्यादा और अगर आप पूरा इन डेप्थ सॉल्व करना चाहते हैं तभी मैं इस क्लास में आपको बता दूंगा ठीक है तो मैं दोनों चीज़ें यहाँ से बताऊंगा कि मल्टीप्लीकेशन जो है आप विद विदाउट डायनेमिक प्रोग्रामिंग से कैसे यूज़ करेंगे और विद विद प्रोग्रामिंग डायनमिक प्रोग्रामिंग से कैसे करेंगे दोनों चीज़ में है इस क्लास में आपके इधर बता दूंगा ठीक है तो समझने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में आपके पास टोटल फोर मैट्रिक्स है जैसे एम वन एम टू एम थ्री एज वेल एज एज फोर टोटल आपके पास फोर मैट्रिक्स हैं तो मैं यहाँ से बना रहा हूँ पहला जो है वो आपके पास एम वन एक मैट्रिक्स है दूसरा एम टू है फिर तीसरा एम थ्री है और फिर आपके पास है एम फोर ध्यान देना जब भी दो मैट्रिक्स होते हैं तो मल्टीप्लीकेशन तभी हो पाएगी जब उसकी जो कॉलम है वो दूसरे का रो सेम होना चाहिए कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसको मैं P क्रॉस Q इसके डायमेंशनस हैं उसी तरीके से दूसरा मैट्रिक्स है जहाँ पर हम Q क्रॉस R अगर हमारे पास होगा तभी आप इन दोनों की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं यानी कि इसका ये जो रिप्रेजेंट करा है रो और ये दिखा रहा है कॉलम ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है रो एंड दिस रिप्रेजेंटिंग राइट right? यानी कि जब पहले जो मैट्रिक्स है इसकी जो रो है और इसका जो कॉलम है जब दोनों सेम है तभी आप इस मल्टीप्लिकेशन को आप यहाँ से कर सकते हैं और टोटल कितनी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी हमें कितनी मल्टीप्लीकेशन हमें रिक्वायरमेंट होगी सो दैट इज पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाई आर इतनी मल्टीप्लीकेशन हमें यहाँ से करनी पड़ती है ठीक है अब जैसे हमारे पास टोटल फोर मैट्रिक्स है तो उसको किस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे उससे आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ से अलग हो सकता है जैसे टोटल तो फाइव वेज पांच तरीके से हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं पहला मैं सबसे पहले P1, M1 और M2 को मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा और जो भी इसका रिज़ल्ट आएगा मैं उसको M3 से मल्टीप्लाई करूँगा और जो भी इसका रिजल्ट आएगा मैं उसको M4 से मल्टीप्लाई करूँगा ये आपका पहला तरीका है दूसरा हम पहले M1 और एम टू और एम थ्री को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसका जो रिज़ल्ट है मैं एम वन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और जो भी इसका रिज़ल्ट आएगा मैं उसको एम फोर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा करूँगा सेकेंड वे दूसरे तरीके से हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तीसरा तरीका है कि हम पहले एम वन और पहले एम टू और एम थ्री को पहले हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो रिज़ल्ट है मैं एम फोर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और फाइनली फिर उसको हम एम वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है अगला तरीका क्या हो सकता है हमारे पास कि हम एम वन एम टू एम थ्री एंड एम फोर यानी कि सबसे पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई किया एम वन एम टू को उस तरीके से आपके पास एम थ्री और एम फोर को मल्टीप्लाई किया है और फिर जो उसका रिज़ल्ट आएगा वो यहाँ पर रिज़ल्ट मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हो सकता है ठीक है उसके अलावा भी एक और तरीका है वो तरीका क्या है आपके पास पहले हमने एम थ्री और एम फोर को मल्टीप्लाई किया जो भी रिजल्ट आया मैंने एम टू के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर जो भी रिजल्ट आया हमने एम वन के साथ मल्टीप्लाई किया तो टोटल अगर आप चेक करेंगे दरा फाइव वेज पाँच तरीके से इस आ, को मल्टीप्लीकेशन मतलब टोटल फाइव तरीके से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं टोटल फाइव वे ठीक है फ्रेंड्स नो ए जो है वो इसका सही आंसर नहीं है ऑब्वियसली ए एक आंसर होगा इन सभी में से बट हमें क्या चाहिए हमें सबसे मिनिमम मल्टीप्लीकेशन चाहिए वट इज वट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड ठीक है तो उसका सही आंसर सी है ठीक है अब इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं ऑब्वियसली इनको हर एक पर्सनली आप बना लो ठीक है चले इसकी वैल्यू को निकालो फिर इसको मल्टीप्लाई करो फिर इसको मल्टीप्लाई करो फिर इसको मल्टीप्लाई करो, करो और फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो एक पहला तरीका है और दूसरा है डायनमिक प्रोग्रामिंग तो पहला जो तरीका है वो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से समझा रहा हूँ तो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मल्टीप्लीकेट थोड़ा सा है है तो मैं पहली मल्टीप्लीकेशन को ही मैं यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ ठीक है तो पहला तरीका है मैं यहाँ स्क्रीन पे इधर बना रहा हूँ पूरे स्क्रीन को आप देखेंगे यहाँ से तो फोर मैट्रिक्स थे पहले मैंने एम वन एम टू एम थ्री और एम फोर को मैं यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ यानी कि सबसे पहले एम वन एम टू टू को मल्टीप्लाई करो और फिर हमने एम थ्री और एम फोर को मल्टीप्लाई किया और फिर जो आपका रिजल्ट है मैं दोनों को यहाँ से मल्टीप्लाई करूँ ठीक है यानी कि इसको जो डायमेंशनस थी वो पी क्यू थी और इसकी जो डायमेंशनस थी वो क्यू आर थी इसकी जो डायमेंशनस है वो आर इन एस है और इसकी जो है वो एस क्रॉस टी है इन दोनों केस में कितनी मोटिफिकेशन चाहिए होंगे हमें दैट इज़ पी क्यू एन आर इतनी मोटिफिकेशन यहाँ पर चाहिए होंगी और इन दोनों में से कितनी मोटिफिकेशन चाहिए होगी वो आर एस एस आर एस टी इनकी मोटिफिकेशन हमें रिक्वायरमेंट होगी और यानी कि जो डायमेंशनस यहाँ से निकलेगी ठीक है उस डायमेंशन को हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो इसकी डायमेंशन रहेगी जो न्यू मैट्रिक्स होगा जिसको हम एम फाइव मैं इसको बोलूँगा और जो उसकी डायमेंशंस होंगी दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन पी क्रॉस आर ठीक है और उसी तरीके से इसकी जो डायमेंशंस होंगी इसको एम सिक्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो जो उसकी डायमेंशंस होगी दैट इज़ आर क्रॉस टी तो यानी कि जो टोटल इसकी मल्टीप्लीकेशन होंगी दैट इज़ पी क्रॉस आर क्रॉस टी ये टोटल मल्टीप्लीकेशन हमें चाहिए होंगे यानी कि टोटल वैल्यू को निकालेंगे तो आपके पास आएगा पी क्यू आर प्लस आर एस टी प्लस पी आर टी इतने टोटल मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर चाहिए होंगे ठीक है और इन सबकी वैल्यूज को हमें यहाँ से निकालना है ठीक है तो फर्स्ट पहला तरीका मैंने आपको ऐसे बताया ही है और जैसे फर्स्ट केस समझाने की के कोशिश करता हूँ आपके पास पी की वैल्यू कितनी थी इस क्वेश्चन में देखेंगे तो वो आपके पास टेन थी इस क्यू की वैल्यू थी आपके पास हंड्रेड और आर की वैल्यू थी यहाँ पर ट्वेंटी यानी कि जो टोटल वैल्यू इधर आएगी आपके पास डेट इज टू जीरो 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 यानी कि लगभग आपके पास ट्वेंटी थाउजेंड इसकी वैल्यू निकलेगी ऐसे ही आर की जो डायमेंशंस थी वो ट्वेंटी थी एस की जो डायमेंशन थी दैट इज फाइव एंड टी की जो डायमेंशन थी वो आपके पास एट्टी थी यानी कि दोनों की वैल्यू अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो आपके पास आई थिंक एट्टी मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड यानि कि एट थाउजेंड के आसपास इसकी वैल्यू निकलेगी यानी कि यहाँ पर टोटल ट्वेंटी एट थाउजेंड इसकी एक मल्टीप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी ठीक है उसी तरीके से एडिशन uh, हमें करना था ठीक है उसी तरीके से हम लास्ट स्टेटमेंट को चेक करेंगे जैसे पी आर और टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी कि पी के, के केस में इसकी वैल्यू 10 है आर uh, की वैल्यू जो है वो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है और टी की वैल्यू है यहाँ पर 80 यानी कि टोटल इसकी वैल्यू होगी 4000 यानी कि जब टोटल वैल्यूज को आप यहाँ से ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू यहाँ पर थर्टी के आसपास इसकी वैल्यू यहाँ से निकलेगी राइट दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग लाइक थर्टी के आसपास ठीक है अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है मैं ऐसा चेक कर लेता हूँ यहाँ से uh, तो वी हैव पी आर एस टी ना तो हमने जो लास्ट तरीके यूज़ किया था हमने दैट इज़ पी आर टी पी की वैल्यू जो थी वो आपके पास टेन थी और आर uh, की वैल्यू ट्वेंटी थी सॉरी ये कैलकुलेशन मिस्टेक है तो मैं इसको यहाँ से करेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से तो दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग ट्वेंटी और टी की वैल्यू जो थी वो आपके पास एटी को रिप्रेजेंट है सो दैट मीन्स दिस वैल्यू इज़ लाइक सिक्सटीन थाउजेंड ठीक है तो यानी कि अगर इस टोटल वैल्यू को हम यहाँ से निकालेंगे तो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी फोर्टी फोर थाउजेंड ठीक है वो फोर्टी फोर थाउजेंड इसकी वैल्यू यहाँ से निकलेगी ठीक है ऑब्वियसली दैट इज टेक लॉट ऑफ टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम यहाँ से लगेगा तो इसी वजह से सारी कैल्कुलेशन को मैं फटाफट बिकॉज मैंने पहली कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो इन सभी कैलकुलेशन को पहले कर चुका हूँ तो इसलिए वैल्यू जो है मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ तो पहला तरीका क्या हो सकता है पहला अगर हम एम वन मल्टीप्लाइड बाई एम टू और एम थ्री मल्टीप्लाइड बाय एम फोर पहली ये जो मल्टीप्लीकेशन है इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर पी क्यू आर प्लस आर एस टी प्लस पी आर टी ये इसकी वैल्यू निकलेगी दूसरा तरीका ये है कि एम वन के साथ एम टू और एम थ्री को मल्टीप्लाई करूँ और फिर उसका जो रिज़ल्ट है मैं यहाँ से एम फोर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्सप्रेशन हो गया हमारे पास क्यू आर एस प्लस पी क्यू एस प्लस पी आर टी इसकी वैल्यू यहाँ से निकलेगी उसी तरीके से तीसरा तरीका है कि मैं एम वन और एम टू को मल्टीप्लाई करूँगा जो रिज़ल्ट आएगा मैं एम थ्री के साथ मल्टीप्लाई करूँगा और जो रिज़ल्ट आएगा मैं एम फोर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा यानी कि जो टोटल वैल्यू होगी दैट इज़ पी क्यू आर प्लस पी आर एस प्लस पी एस टी इसकी वैल्यू यहाँ से निकलेगी उसी तरीके से मैं एम वन के साथ एम टू के साथ एम थ्री और एम फोर को साथ मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा तो जो टोटल वैल्यू यहाँ से निकलेगी दैट इज आर एस टी प्लस क्यू क्यू टी क्यू आर टी एंड दिस रिप्रेजेंटिंग पी क्यू टी इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और द लास्ट है आपके पास क्यू एस क्यू आर एस प्लस क्यू एस टी लास्ट को पूरा बताता हूँ सो लास्ट जो है हमारे पास दैट इज एम वन मल्टीप्लाइड बाई एम टू मल्टीप्लाइड बाई एम थ्री मल्टीप्लाइड विद एम फोर तो यानी कि इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी दैट इज़ क्यू आर एस प्लस क्यू एस टी प्लस पी एस टी ठीक है सो ऑब्वियसली दैट इज टेक लॉट ऑफ टाइम इस तरह के क्वेश्चन को अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर निकलने वाला है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है और बट स्टिल टेल यू बेटर वे बेटर तरीका क्या है अब जैसे पहली वैल्यू जो है हमारे पास इसकी वैल्यू आपके पास आएगी टोटल फोर्टी फोर थाउजेंड ठीक है फोर्टी फोर थाउजेंड यहाँ से निकलेगी और उसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास होगी दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग प्रजेंटिंग नाइनटीन थाउजेंड वो नाइनटीन थाउजेंड को रिप्रेजेंट करेगा तो इन सभी में से सबसे छोटी वैल्यू जो है नाइनटीन थाउजेंड ही है और हमारे पास नाइनटीन थाउजेंड वैल्यू हमारे पास पहले से मिल चुकी है तो यानी कि बाकी सभी कैलकुलेशन करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है तो हम डायरेक्टली हम ऑप्शन नंबर सी से हम इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं ठीक है ऑब्वियसली बाकी कैलकुलेशन अगर आपको करना पड़ेगा दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हार्डली ट्वेंटी मिनट लेकर हाफ एन आवर भी लग सकता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ठीक तो है तो ये पहला तरीका है द सेकेंड वे टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम बाय यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम इसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग के साथ भी हम इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं तब जो कैलकुलेशन करना हमारे लिए बहुत ईजी होगा ठीक है तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए मैं एक टेबल जो है मैं यहाँ से बनायाता हूँ एक बिकॉज टोटल टो 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 आपके पास फोर मैट्रिक्स है तो मैं इस तरीके से फोर बाय फोर मैट्रिक्स में यहाँ से बना दूंगा तो आपका काम जो है वो काफ़ी बेटर हो जाएगा ठीक है और लेट मी टेक समथिंग अ बेटर वन इसे साइज़ जो है थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि कैलकुलेशन करना आपके लिए और ईजी हो जाएगा ठीक है तो कुछ इस तरीके से यहाँ से बना लेते हैं तो टोटल फोर कॉलम्स एज वेल एज फोर कॉल फोर रोज ठीक है इस वैल्यू को मैंने यहाँ से बना दिया है ठीक है अब इस मैट्रिक्स में से कुछ चीज़ें आपको पता चलेगा जैसे पहली जो वैल्यू है वो यहाँ पर वन कोमा वन को रिप्रजेंट करा है यानी कि एक ही मैट्रिक्स है इसके वैल्यू मैं टू कोमा टू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये जो वैल्यू है आपके पास वो मैंने थ्री कोमा थ्री से रिप्रेजेंट किया है और इसकी जो वैल्यू है मैं फोर कोमा फोर से रहा कराऊँ ठीक है अब उसी तरीके से ये जो नेक्स्ट वैल्यू हो गया हमारे पास आ, हमारे पास वन कोमा टू की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे ठीक है तो यानी कि समथिंग लाइक दिस कि इसका मतलब है कि मैं यहाँ से वन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये आपके पास टू होगा ये थ्री होगा और ये शायद आपके पास फोर होगा और यहाँ पर भी मैंने फोर को रिप्रेजेंट कर दिया ये थ्री है ये टू है, है और ये आपके पास वन है तो यानी कि पहला यानी कि अगर आपके पास सिर्फ एक ही मैट्रिक्स है एम वन साथ मल्टीप्लाई नहीं किया है तो कित नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन कितनी होंगी दैट विल बी जीरो उसी तरीके से ये जो दिखा रहा है कि आपके पास सिर्फ एक ही मैट्रिक्स है जो एम टू को ही रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसकी वैल्यू होगी जीरो इसकी वैल्यू भी यहाँ पर जीरो होगी और इसकी वैल्यू भी यहाँ पर जीरो होगी बिकॉज ये सब सोलो मैट्रिक्स है जब मैं इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसका मतलब है कि मैंने एम वन को और एम टू को मैंने मल्टीप्लाई किया है और जो मल्टीप्लीकेशंस है वो यहाँ पर आपके पास आएगी जैसे एम वन की जो डायमेंशन थी वो पी क्रॉस क्यू थी और एम टू की जो वैल्यू थी वो आपके पास क्यू क्रॉस आर थी तो इनकी जो डायमेंशंस होंगी जो मल्टीप्लीकेशन हमें चाहिए होंगी दैट इज़ पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाई आर इतनी इसकी डायमेंश मतलब इतनी मल्टीप्लीकेशन हमें करनी पड़ेगी यानी कि जो इसकी वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी टेन मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी देर फोर दिस वैल्यू इज़ रिप्रेजेंटिंग एज ट्वेंटी थाउजेंड तो यहाँ पर ट्वेंटी थाउजेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है सर ये पहले वाला मैट्रिक्स सही है या पहले कोई भी यूज़ कर सकते हो पहला भी यूज़ कर सकते हो बेसिकली मैंने क्या किया है कि इसकी नंबरिंग को चेंज किया है वो थोड़ा सा ना उस तरह से भी आप बना सकते हो बट बेसिकली uh, थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें क्या है कि ये समझना इसमें कैलकुलेशन करना यहाँ पर बहुत ईजी है आप पहले वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हो ये भी कोई भी आप यूज़ कर सकते हो बोथ ऑफ थिंग्स आर परफेक्टली फाइन दोनों बिल्कुल सही है यहाँ से ठीक है अब फिर हमने इस वैल्यू को यहाँ से बनाया है इस इसका मतलब क्या है कि हमने मैट्रिक्स टू को यूज़ किया है और साथ साथ मैंने मैट्रिक्स थ्री को मैंने यूज़ किया है इन दोनों की जो मल्टीफ्लीकेशन है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अगर आप चेक करेंगे एम टू की जो डायमेंशन हैं वो यहाँ पर क्यू क्रॉस आर को रिप्रेजेंट कर रहा है और एम थ्री के डायमेंशंस है वो आर क्रॉस एस को रिप्रेजेंट कर रहा है देर फोर नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन गोइंग टू बी दैट इज क्यू आर एज वेल एस एस तो यानी कि क्यू की जो वैल्यू थी दैट वॉज हंड्रेड एंड आर की जो वैल्यू थी दैट इज ट्वेंटी और एस की जो वैल्यू है दैट इज रिप्रेजेंटिंग फाइव देयर फोर दिस वैल्यू इज आई सी ठीक है से कैलकुलेट दिस हाँ तो इसकी जो वाली होगी आपके पास वो टोटल टेन थाउजेंड को ही रिप्रेजेंट करेगा ठीक है तो दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग टेन थाउजेंड तो यानी कि यहाँ पर मैंने टेन थाउजेंड इसकी वाली को यहाँ से निकाला है ठीक है उसी तरीके से इस मैट्रिक्स को आप समझो ये एम फोर मल्टीप्लाइड बाई एम थ्री को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि अगर मैं सिर्फ एम थ्री को यूज़ करता हूँ अगर इफ़ आई से इन दिस वे कि आपके पास ये एम थ्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एम फोर को रिप्रजेंट कर रहा है यानी कि एम थ्री की जो है वो होगी आपके पास विशेष आर क्रॉस एस और एम फोर की जो डायमेंशंस है दैट इज़ एस क्रॉस टी है यानी कि आर एस टी इसकी मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर चाहिए होंगी यानी कि जो वैल्यू होगी आर की वो है यहाँ पर ट्वेंटी और एस की जो वैल्यू होगी दैट इज़ फाइव और टी की जो वैल्यू है दैट इज़ एटी ठीक है देर फोर दिस वैल्यू इज़ रिप्रेजेंटिंग लाइक एट थाउजेंड वो यहाँ से एट थाउजेंड को रिप्रजेंट करा देर फोर दिस वैल्यू इज़ लाइक एट थाउजेंड ठीक है अब नेक्स्ट वैल्यू को समझो ठीक है नेक्स्ट वैल्यू को समझो अगर ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि स्टेटमेंट को समझो इसका मतलब क्या है कि हमें वन से लेकर थ्री तक हमें मल्टीप्लाई करना है यानी कि मैट्रिक्स वन टू और थ्री यहाँ पर अवेलेबल है और इन तीनों में से हमें देखना है कि बेटर तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है अगर आप आपको समझने की कोशिश करेंगे तो दो तरीके हैं या तो पहले मैं एम वन के साथ एम टू और एम थ्री के वैल्यू को यहाँ से यूज़ करूँ या फिर मैं एम वन और एम टू को मल्टीप्लाई करूँ और जो उसका रिजल्ट है मैंने एम थ्री के साथ मल्टीप्लाई किया किसी भी तरीके से आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो बिकॉज हमने एम टू एम थ्री इसकी कैलकुलेशन हम पहले से निकाल चुके हैं और ये वैल्यू कहाँ पर थी ये वाली जो वैल्यू है हमने इस केस में हमने यहाँ से निकाला था यानी कि इसकी वैल्यू जो थी आपके पास टेन थाउजेंड डायमेंशन मतलब टेन थाउजेंड इसकी मल्टीप्लीकेशंस थी और यहाँ से एम वन की जो डायमेंशन जो थी वो आपके पास एज अ पी क्रॉस क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा था और इन दोनों की जो डायमेंशन थी ठीक है तो यानी कि म यूजिंग दिस टू तो आपकी जो डायमेंशन होगी वो Q क्रॉस S होगी यानी कि जो डायमेंशन होंगे दैट इज़ पी क्यू एस ये मल्टीप्लीकेशन हमें चाहिए होंगी ठीक है उसी तरीके से इसका मतलब है कि मैंने M1 और M2 को मैंने यूज़ किया है यानी कि हमारे पास ये वाली वैल्यू है जो हम पहले से निकाल चुके हैं ठीक है थीके? उसके अलावा जो उसके डायमेंशनस होंगे ठीक है इसके जो डायमेंशंस होंगे हमारे पास वो पी क्रॉस आर होगी और एम थ्री का जो डायमेंशनस है वो आर क्रॉस एस है यानी कि जो नंबर मल्टीप्लीकेशन कितने चाहिए होंगी दैट इज पी आर एज वेल एज एस और इन दोनों वैल्यू को आप यहाँ से ऐड करो यू कैन फाइंड कि टोटल मल्टीप्लीकेशन कितने चाहिए होंगे ठीक है उसी तरीके से यहाँ पर भी इसकी वैल्यू को आप यहाँ से निकाल सकते हैं अब बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस रहेगा तो मैं इस कैलकुलेशन को पहले से निकाल चुका हूँ ठीक है जैसे इस वैल्यू को आप समझो की कोशिश करते हैं तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास रहेगी दैट इज़ समथिंग लाइक फिफ्टीन थाउजेंड इसकी वैल्यू आपके पास फिफ्टीन थाउजेंड वैल्यू यहाँ से निकलेगी ठीक है क्लियर और उसी तरीके से अगर इस वैल्यू को निकालेंगे तो यहाँ से वैल्यू आपके पास निकलेगी एज ए फिफ्टी थाउजेंड और इन दोनों में से जब हम इस मैट्रिक्स को चेक करेंगे कि एक इसमें से सबसे छोटी वैल्यू क्या है और जो सबसे छोटी वैल्यू है उसके साथ जो वैल्यू हमारे पास निकलेगी दैट इज लाइक नाइनटीन थाउजेंड तो टोटल नाइनटीन थाउजेंड वैल्यू यहाँ से निकलेगी ठीक है यस सो रजनी आई थिंक यू अंडरस्टैंड तो कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए ठीक है कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो हमें बस इस वैल्यू को यहाँ से रखना है तो आई यू कैन यूज़ एनी ऑफ़ दिस मेथड्स आप कोई भी मेथड आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो ठीक है या तो आप चाहें इस डायनेमिक प्रोग्रामिंग को यूज़ कर सकते हैं या फिर आप विदाउट डायनेमिक प्रोग्रामिंग से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं लेकिन हाँ अगर डायनेमिक प्रोग्रामिंग को यूज़ करूंगा तो जो क्वेश्चन को सॉल्व करना टाइम आपको कंपेटिवली यू नो इट विल टेक लेस टाइम वो लेस टाइम रहेगा इस प्रोसेस के अंदर ठीक है आई होप यू अंडरस्टैंड कुछ डाउट है तो उनसे पूछ सकते हैं तो so, पूछा गया क्या, क्या है हैश फंक्शंस ऑफ डिफाइंस तो आपके पास एक फैंश जो हैश फंक्शन है वो गिवन है जिसके अंदर हमने मॉड सेवन को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि टोटल आपके पास सेवन स्लॉट्स हैं तो मैं सेवन स्लॉट्स को मैं यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ठीक है तो दिस इज़ स्लॉट वन ये होगा टू ये होगा थ्री दिस इज़ फोर दिस इज़ फाइव एंड दिस इज़ सिक्स एज वज सेवन और इनकी लोकेशन रहते हैं जैसे दिस इज प्रजेंटिंग एज ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव एज वेल एज सिक्स और जो फंक्शन हमने यूज़ किया हुआ दैट इज़ की मोड सेवन यानी कि सबसे पहले नंबर हमारे पास आई है यानी कि थर्टी सेवन मॉड सेवन को हम लोग यहाँ से यूज़ करेंगे तो सबसे पहले थर्टी सेवन मॉड सेवन को हमने यहाँ से यूज़ किया था तो यानी कि हम थर्टी सेवन को यहाँ पर डाला फिर आपके पास थर्टी एट मॉड सेवन निकाला था सो so, जिसकी वैल्यू आपके पास थ्री निकली थी यानी कि थर्टी एट को यहाँ पर डाला ये वाली वैल्यू हमारे पास स्कीप हो गई थी तो यहाँ पर सेवनटी टू मॉड सेवन निकालेंगे तो वैल्यू आपके पास टू निकलेगी बट ये लोकेशन बिजी है तो यानी कि इसकी अगली लोकेशन को ले लेंगे यानी कि सेवनटी टू प्लस वन मॉड सेवन निकालेंगे सो दिस वैल्यू इज़ रिप्रेजेंटिंग थ्री बट ये भी लोकेशन बिजी है तो मैंने सेवनटी थ्री प्लस टू को यू निकालेंगे तो आपके पास मॉड सेवन निकलेगी यानी कि यह आपके पास लोकेशन नंबर रिप्रेजेंटिंग एज फाइव uh, आपके पास 72 टू तो टू आ गया फिर 72 टू प्लस थ्री थ्री आ गया फिर सेवेंटी टू प्लस टू निकालेंगे तो आपके पास सेवन निकलेगा तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग एस फोर तो यानी कि 72 टू को हम यहाँ पर डालेंगे ठीक है फिर नेक्स्ट आपके पास आ रहा है फोर्टी एट मॉड सेवन एंड इज रिप्रेजेंटिंग एस सिक्स तो यानी कि फोर्टी एट को यहाँ पर डालेंगे फिर आपके पास है 98 एट तो नाइन्टी एट मॉड सेवन ये वैल्यू आपके पास आ रहा है ज़ीरो तो नाइन्टी एट को मैंने यहाँ पर डाल दिया है फिर आपके पास आ रहा है इलेवन तो एलेवन मॉड सेवन सो यानी कि फोर को रिप्रेजेंट कर रहा करूँ बट ये जो लोकेशन है वो यहाँ पर ऑलरेडी बिजी है तो मैं अगली लोकेशन को मैं ऐड करूँगा तो आपके पास आ जाएगा दैट इज़ फाइव तो यानी कि हम इलेवन को हम यहाँ पर डालेंगे और फिर लास्ट में हमारे पास फिफ्टी सिक्स था तो मैं फिफ्टी सिक्स मॉड सेवन यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से लोकेशन आपके पास निकलेगी दैट इज़ ज़ीरो पर ये लोकेशन ऑलरेडी बिजी थी तो इसके अगली लोकेशन ले लो तो यहां पर फिफ्टी सिक्स यहां पर आपके पास आएगा एट द फर्स्ट लोकेशन ठीक है तो यानी कि कहने का मतलब है कि इन्होंने पूछा था कि इलेवन कहाँ पर स्टोर्ड है तो अगर आप चेक करेंगे वो फिफ्थ लोकेशन पर है तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर है ठीक है यस सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके द हैश टेबल हैज स्पेस ऑफ हंड्रेड रिकॉर्ड्स आपके पास एक हैश टेबल है जहां पर टोटल हंड्रेड रिकॉर्ड्स हैं देन द प्रॉबी ऑफ रिकॉर्ड कोलिजन बिफोर द टेबल इज़ टेन परसेंट ऑफ यानि कि अगर आपके पास एक जो टेबल है वो टेन परसेंट फुल है यानी कि नाइन्टी परसेंट अभी बचा हुआ है तो आपके पास कोलिजन होने की प्रॉबर्टी क्या है वट इज़ द प्रॉबी ऑफ कोलिजन तो लटा सपोज़ कि आपके पास एक हैश टेबल है ठीक है तो हैश टेबल को मैं इस तरीके से यहाँ से बना रहा हूँ ठीक है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरीके से समथिंग लाइक दिस ठीक है यानी कि जो पहला इंडेक्स लोकेशनस है वो ज़ीरो है ये है वन ये होगा टू ये होगा थ्री ये होगा फोर ये फाइव ये सिक्स ये सेवन अप टू सो ऑन जो लास्ट लोकेशन है वो आपके पास नाइनटी नाइन है ठीक है अब यानी कि टोटल आपके पास हंड्रेड रिकॉर्ड्स हैं टोटल हंड्रेड रिकॉर्ड्स हैं और इसमें उन्होंने बोला है कि टोटल आपके पास टेन परसेंट जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी फुल है यानी कि टेन में से हंड्रेड में से अगर मैं टेन परसेंट को यहाँ से यूज करूंगा ठीक है यानी कि कुछ ऐसा बोल सकता हूँ दैट इज टेन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई टेन परसेंट यानी कि दैट इज हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई टेन डिवाइड बाई थाउजेंड यानी कि टोटल आपके पास टेन रिकॉर्ड जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर फुल है वो यहाँ पर डाले हैं पर वो डाले कैसे वो डाले कैसे ठीक है तो समझने की कोशिश करो अगर हमने पहला रिकॉर्ड लिया पहला रिकॉर्ड मैं कहीं पर भी डाल दूँ पहला कहीं पर भी डाल सकता हूँ जैसे पहले जो लोकेशन है मैंने यहाँ पर डाल दिया ठीक है तो ऑब्वियसली बिकॉज कम्प्लीट जो हैश टेबल था कम्प्लीटली एम था तो इसको कोई भी कॉल्यूजन होने की कोई चांसेस नहीं है लेकिन मैंने एक दूसरा एक और वैल्यू मेरे पास आई है जो यहाँ पर वाइफ है और वाइफ को वाइफ को मैंने पूरे टेबल में मुझे डालना है बट वो कहाँ पर डालूंगा वो यहाँ पर भी हो सकता है 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 लेकिन वो यहाँ नहीं हो सकता क्यों क्योंकि हाँ पर already element यहाँ पर ऑलरेडी एलिमेंट यहाँ पर अवेलेबल है अगर वो एलिमेंट यहाँ पर होगा तो यहाँ पर आपके पास एक कॉलिजन होने के चांसेस हैं यहाँ पर कॉलिजन होने के चांसेस हैं ठीक है थीके? तो यानी कि जो पहला एलिमेंट है y, इस y आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है इस सेम लोकेशन यानी कोलिजन होने के चांसेस कितने हैं तो वह होगा y बाय टोटल हंड्रेड ठीक है मतलब एक ही एलिमेंट था ना यहाँ पर एक ही एलिमेंट था तो यानी कि टोटल इस वाई के लिए हमें वन बाई हंड्रेड इसकी प्रोबेबिलिटी होगी इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो सेम एलिमेंट इसी लोकेशन पर होगा ठीक है अब लेडा सपोज हमने यहां से देखा और हमने नेक्स्ट लोकेशन पर हमने वाई को डाल दिया अब एक और एलिमेंट हमारे पास आया है जो जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर वो जेड है तो कहीं पर भी हो सकता है लेकिन बस वो इन दो जगह पर नहीं होगा क्योंकि इन दो लोकेशन पर होगा तो यहां पर आपके पास एक कॉलिजन होगा और क्वाल होने की Z में कॉल्यूजन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी दैट इज़ गोइंग टू बी टू बाई हंड्रेड क्योंकि दो एलिमेंट जो है वो यहाँ पर बिजी है बाकी सब फ्री है ठीक है उसी तरीके से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे पहले हमारे पास टोटल टेन परसेंट फुल थे तो यानी कि हर एक केस में प्रोबेबिलिटी हो सबकी प्रोबेबिलिटी होने की कितनी है वो यहाँ से बता सकते हैं ठीक है कहने का मतलब है कि अगर आप समझने की कोशिश करेंगे अगर पहला एलिमेंट था उसके अंदर प्रोबेबिलिटी है वन क्योंकि वो कंप्लीट टेबल फ्री थी फिर नेक्स्ट अगर दूसरा एलिमेंट है वो सेम कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो वन बाई हंड्रेड होगी फिर तीसरा जो तीसरा एलिमेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी होने, होने की कोल्यूजन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी वो थी टू बाई हंड्रेड उसी तरीके से नेक्स्ट एलिमेंट होगा आपके पास थ्री बाई हंड्रेड ऐसे ही इसको आप ऐड करो टिल नाइन बाई हंड्रेड ठीक है क्योंकि तब जाके ये टोटल आपके जो है टोटल टेन टेबल टेन एलिमेंट जो है वो यहाँ पर आपके पास आ गए हैं इन टोटो की जो प्रॉबर्टी है सबको ऐड कर लो प्रॉबल्टी ऐड करो और जो भी वैल्यू आएगी बिकॉज हमें इसको हम ऐड करेंगे ठीक है तो पहले एलिमेंट को आप छोड़ दो लेकिन ये जो एलिमेंट है यहाँ पर कोलिजन होगा तो कोलिजन होने की वैल्यू को निकालो ठीक है और सबकी वैल्यू को ऐड कर दो ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल इस वैल्यू को आप चेक करेंगे तो ये हो गया आपके पास पहली वैल्यू दैट इज़ ज़ीरो पॉइंट जीरो वन उसके साथ इस वैल्यू को आप ऐड करोगे ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो टू इसके यानी कि जो कोलिजन की प्रॉबर्टी है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो थ्री उसी तरीके से लास्ट एलिमेंट जो वैल्यू होगी दैट इज़ ज़ीरो पॉइंट जीरो नाइन तो ये सब की प्रॉबलिटी है और सबको आप ऐड करेंगे ना तो यू कैन से इट इज़ वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर अप टू सो ऑन नाइन उसको डिवाइड करो हंड्रेड के साथ और ये जो टोटल वैल्यू अगर आप इनको ऐड करेंगे वन से लेकर नाइन तक अब सब वैल्यू को आप ऐड करेंगे सो दैट इज़ फोर्टी फाइव डिवाइड बाई हंड्रेड यानी कि ज़ीरो पॉइंट फोर फाइव ये इसकी एक प्रोबेबिलिटी जो है वो यहां से आपके पास आती है ठीक है सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया ठीक है प्रोबेबिलिटी होने की क्या है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर ए ए इसकी प्रोबेबिलिटी यहां से एक कर निकलेगी ठीक है इज इट क्लियर ठीक है तो ये क्वेश्चन जो है ये कई जगह पर आ चुका है और कई तरह के क्वेश्चन कई लोकेशन पर भी ये देखा भी है ठीक है तो एज ऑफ नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया और द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज जीरो पॉइंट फोर फाइव ठीक है तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन लॉग आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द एवरेज सर्च टाइम ऑफ हैशिंग विद लीनियर प्रोबिंग विद लेस देन विल बी लेस इफ द लोड फैक्टर इज विच ऑफ द फॉलोइंगे जो क्वेश्चन है तो एनआईसी का क्वेश्चन है तो आपका जो सर्चिंग टाइम जो है वो यहाँ से कम होना चाहिए तो आपका लोड फैक्टर की वैल्यू यहाँ पर कितनी होनी चाहिए सो दैट इज इट इज ऑप्शन नंबर ए इट इज लेस देन वन तो ए जो है वो इसका सही आंसर होगा ठीक है तो अगेन द सेम सिमिलर क्वेश्चन है तो ये वाला जो क्वेश्चन है अगर आप दोनों क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे ये वाला जो क्वेश्चन था वो नीले टू दिसंबर का एग्जाम का क्वेश्चन था वो साइंटिस्ट ए का क्वेश्चन था और यही जो क्वेश्चन है ये टू अक्टूबर का क्वेश्चन है ठीक है तो क्वेश्चन सेम ही है एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट ही है कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है ठीक है बट फर्क क्या था एक एग्जाम हुआ था अक्टूबर एक हुआ था दिसंबर और सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी रिपीट हुआ था क्योंकि उसके बाद दोबारा से कुछ वैकेंसीज और चाहिए थी तो दे क्रेड अ सेम क्वेश्चन राइट चलो लेट्स गो ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर गिव मी द आंसर हेयर इन द चैट क्योंकि यहाँ पर हमने जीरो वन नाप्सैक जो है उसका एक क्वेश्चन है आप तो मुझे बता सकते हैं टेक योर टाइम टाइम लेंगे गिव मी द आंसर हेयर सुधेर सिंह वी हैव जीरो वन नैपसेक इज एन वेल नोन प्रॉब्लम वेयर इट इज डिज़ायर टू गेट मैक्म प्रॉफिट बाई प्लेसिंग एन आइटम्स ठीक है बेसिकली उन्हें एक डेफिनेशन बताई है कि हमारे पास जीरो वन नैपसैक प्रॉब्लम क्या है और इसको मतलब वो करते क्या है वाई वाई डू यूनिट जीरो वन नैपेक क्योंकि हमें प्रॉफिट को मैक्सीमाइज करना है ठीक है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यह तो सिंपल डेफिनेशन है इसको तो आप अगर आपको जीरो वन नैपसेक प्रॉब्लम है तो इसे आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं तो यहां से पढ़ना शुरू करो देर इंग टेबल गिवन बिलो शोज द द वेट एंड एसोसिएटेड यानी कि सबका एक वेट और उसका प्रॉफिट जो है वो यहाँ से है वेयर वन यूनिट ऑफ ईच आइटम इज एवेलेबल टू यू इट इज ऑल्सो गिवन दैट कैपेसिटी इज डब्ल्यू इज एट ठीक है तो आपकी नाप्सक की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर एट गिवन है इफ द जीरोप प्रॉब्लम जो है हम उसको डायनिक प्रोग्रामिंग से हम लोग तो यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ से क्या हो सकता है ये इस क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन बहुत ईजी है डायरेक्ट है पर की डेफिनेशन ही है द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए ए जो है वो इसका सही आंसर है ठीक है तो इफ्यूनिट एक्सप्रेशन अगर आपको एक्सप्रेशन चाहिए तो मैं आपको यहाँ से बता भी देता हूँ ठीक है तो इन दो चीज़ों की हमें जरूरत होनी चाहिए पहले आपके पास कितने आइटम्स हैं और कितनी आपकी कैपेसिटी है ठीक है इस क्वेश्चन में अगर मेरे पास कुछ स्पेस है तो मैं देखता हूँ कि यस आई थिंक ज़्यादा स्पेस मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा कि यहीं पर ही मैं इसको एडजस्ट कर पाऊँ और कॉन्सेप्ट यह आपको यहाँ से समझा पाऊँ ठीक है तो चेक करो यहाँ पर टोटल आपकी जो कैपेसिटी है यहाँ पर गिवन है वो एट है और टोटल आइटम्स है आपके पास फाइव तो एक टेबल यहाँ से बना लेता हूँ इस पूरी चीज़ के इसमें ठीक है आई कैन मेक अ टेबल लाइक दिस तो इस टेबल में हमारे पास टोटल एट uh, जो है वह यहाँ पर गिवन है तो टू दिस इज थ्री फोर फाइव सिक्स एज वेल एज सेवन एट ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है एंड दिस इज वन टू थ्री फोर एंड फाइव ठीक है वो यहाँ पर गिवन है तो बेसिकली हमने दो चीज़ यहाँ पर यूज़ किया हुआ है कि आपके टोटल कैपेसिटी uh, कितनी है तो कैपेसिटी एट है तो मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ दैट दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एज वेल एज एट और उसके साथ साथ कितने आइटम्स हैं तो दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग वन दिस इज़ टू दिस इज़ थ्री दिस इज़ फोर एज वेल दिस इज़ फाइव तो पहले रो में जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कई बार क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी आइटम नहीं है तो हर एक केस में वैल्यू हम यहाँ पर जीरो एज्यूम कर सकते हैं बट फ्री में इसको ईज़ी तरीके से मतलब थोड़ा सा फास्ट तरीके से हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे तो अगर आपके पास सिर्फ एक आइटम है ये बता रहा है कि आपके पास एक ही आइटम है और उसको जो, जो प्रॉफिट है वो आपके पास वन है तो आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा वो आपके पास यहाँ से थ्री निकलेगा यहाँ पर भी आपका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर थ्री ही रहेगा ठीक है यानी कि अगर आपके पास सिर्फ एक ही आइटम है तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपके पास थ्री ही निकलेगा ठीक है फिर नेक्स्ट केस को हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है कि अगर आपके पास दो आइटम्स हैं आइटम नंबर वन एज वेल एज टू यहाँ पर अवेलेबल है और आपकी कैपेसिटी वन है तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपके पास कितना होगा तो प्रॉफिट होगा आपके पास आप यहाँ से सिर्फ आइटम नंबर वन को ही आप यहाँ पर डाल सकते हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट इज गोइंग टू बी थ्री लेकिन अगर आपके पास दो कैपेसिटी टू है और आपके पास दो आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल है तो मैक्सिमम प्रॉफिट इज गोइंग टू बी फाइव और अगर आपके पास टोटल थ्री आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल है तो मैक्सिमम प्रॉफिट इन दोनों को आप यहाँ से प्रॉफिट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं टोटल आपके पास एट होगा तो ये टेबल जो है इस तरीके से आपको निकलेगा वोट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट फिर थर्ड दिखा रहा है कि आपके पास तीन आइटम्स हैं आइटम नंबर वन आइटम नंबर टू और आइटम नंबर थ्री यहाँ पर अवेलेबल है और ये आपको दिखा रहा है कि टोटल आपकी कैपेसिटी कितनी है तो इस केस में हम सिर्फ एक ही आइटम नंबर वन को ही हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं इन तीनों में से क्योंकि इसका वेट सबसे छोटा यही है तो यहाँ का प्रॉफिट आपके पास थ्री ही निकलेगा यहाँ पर अगर आपके पास दो आइटम्स हैं तो इन दोनों में से जो भी बड़ी वैल्यू है मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा तो आपके पास इधर आएगा दैट इज़ फाइव और अगर आपके पास थ्री आइटम्स हैं तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपके पास एट ही इधर आपके पास आएगा फिर अगर आपके कैपेसिटी फोर है तो फोर के केस में चेक कर लेना कि यहाँ पर इन तीनों में से मैक्सिमम प्रॉफिट आपके पास नाइन निकलेगा तो मैं नाइन यहाँ पर यूज़ करूँगा और अगर आपकी कैपेसिटी यहाँ पर फ़ाइव होती है तो फाइव के केस में मैं दो वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं यानी कि एक तो हम इस आइटम को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं यानी कि जिसका प्रॉफिट आपके पास थ्री है और यहाँ से इसका प्रॉफिट है नाइन तो उस केस में टोटल ट्वेल्व इसके कैपेसिटी मतलब इसकी प्रॉफिट यहाँ से निकलेगा और इन दोनों में आप चेक करोगे तो अगर आपके पास टोटल सिक्सटीन एलिमेंट्स हैं Uh, तो यहाँ से मैं इन दो आइटम्स को मैं यहाँ पर तो यूज़ कर सकता हूँ तो टोटल आपके पास फोटीन इसकी कैपेसिटी यहाँ से निकलेगी और इसका रिप्रेजेंटिंग कि आपके पास टोटल तीनों आइटम्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं सो मैक्सिमम प्रॉफिट जो आपके पास इधर आ सकता है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग टिल सेवनटीन और यहाँ पर भी आपके पास सेवेंटीन इधर निकलेगा ठीक है इन द सेम वे नेक्स्ट को चेक करो कि आपके पास टोटल फोर आइटम्स हैं और वेट आपके पास वन ही है तो यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट थ्री निकलेगा यहाँ से मैक्सिमम प्रॉफिट आपके पास फाइव ही निकलेगा यहाँ से मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो आपके पास एट ही निकलेगा इस केस में मैंने मैक्सिमम नाइन uh, को ही मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ तो यहाँ से फाइव वेट में सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट दो ऑप्शन थे हमारे पास एक तो प्रीवियस वैल्यू थी जहाँ पर ट्वेल्व था या फिर मैं इस टोटल इलेवन को मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ तो मैंने यहाँ से प्रॉफिट इस एलेवन को ही मैं यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ठीक है फिर आपके पास टोटल कैपेसिटी आपके पास सिक्स है और फोर आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल है तो अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं यहाँ से ठीक है तो ऑप्शनस क्या क्या है तो अगर आप देखने की कोशिश करेंगे यहाँ से कि अब मैं दो आइटम्स को यहाँ से कर सकता हूँ मैं यहाँ से इस आइटम्स को और इस आइटम्स को मैं यहाँ से यूज़ करूँगा टोटल प्रॉफिट आपके पास फोटीन होगा और जो पहले हमने प्रॉफिट निकाला था वो फोर्टीन ही था तो दोनों में से मैक्सम वैल्यू है वो फोटीन ही आ रहा है तो यानी कि मैं यहाँ से फोटीन को ही कंटिन्यू करूँगा ठीक है फिर अगर आपके पास टोटल कैपेसिटी आपके पास सेवन है तो सेवन में प्रीवियस वैल्यू जो थी वो आपके पास सेवनटीन थी लेकिन अब यहाँ से क्या हो सकता है कि मैं यहाँ से इस आइटम को यूज़ करूँगा और यहाँ से इसको यूज़ करूँगा तो टोटल प्रॉफिट आपके पास सिक्सटीन निकल रहा है ठीक है दैट मीन्स आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग बेटर इसे बेटर मेरे पास कुछ भी यहाँ पर नहीं निकल रहा है तो यहाँ पर सेवनटीन को ही मैं यूज़ करूँगा और अगर आपके पास टोटल एट आपके पास आ रहा है ठीक है टोटल तो यानी कि मैं इन तीन आइटम्स को अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूंगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपके पास निकलेगा दैट इज़ नाइनटीन तो यहाँ से नाइन्टीन निकलेगा ठीक है द सेम वे यहाँ पर भी आपके पास थ्री आ रहा था यहाँ पर आपके पास टोटल फाइव आ रहा था यहाँ से आपके पास प्रॉफिट एट आ रहा था ठीक है और यहाँ से जो प्रॉफिट था आपके पास दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग नाइन क्योंकि प्रीवियस वैल्यूज़ ही हमने यहाँ पर यूज़ किया है यहाँ से आपके पास इलेवन आ रहा था क्योंकि इसके देखो इसकी वेट जो है सबसे ज़्यादा है ठीक है यहाँ पर भी आप चेक करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर भी आपके पास सेम वैल्यू फोर्टीन ही आएगा यहाँ पर भी आपके पास सेवनटीन आएगा और यहाँ पर भी चेक करो यहाँ पर दो ऑप्शन है या तो ये नाइनटीन है या फिर इस आइटम्स को यूज करें या ना करें तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपके पास नाइनटीन ही निकलेगा तो जो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए सो ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है सो आई होप यू अंडस्टैंड जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है डी इज नॉट अ करेक्ट आंसर डी इसका सही आंसर नहीं होगा आई थिंक यस यहाँ पर आपकी मैक्सम छुट्टी ट्वेल्थ थी आई थिंक वो मैंने यहाँ से मिस्टेक हुआ होगा तो यहाँ से आपके पास ट्वेल्व ही निकलेगा आई थिंक ये होगा सम मिस्टेक होगा राइट दिस माइट बी सम इशू ठीक है तो यहाँ पर आपके पास ट्वेल्व ही यहाँ से निकलेगा बिकॉज दट इज़ अ मैक्सीम प्रॉफिट ठीक है is profit, तो दिस इज दिस माइट बी अ प्रॉब्लम तो बाकी अव थिंक एवरी थिंग इज़ फाइन बाकी सब ठीक है यहाँ से बस इसके अंदर एक मिस्टेक uh, हो सकती है यहाँ से ठीक है क्योंकि यहाँ से जो मैक्मम पहले ट्वेल्थ थी ना तो वो इधर मिस्टेक रही होगी यहाँ से ठीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं सो अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉल्विंग जीरो वन नाप्स तो अगर आपके पास जीरो है तो मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ से क्या आ रहा है मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहां पर क्या है द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी सी जो है वो इसका सही आंसर है ठीक है सी इज द करेक्ट आंसर जीरो वन नापसेक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज एन इन टू डब्ल्यू ठीक है गुड

ठीक है जिन लोगों ने अब तक यूज नहीं किया है तो यू कैन दिस अ बुक और ये सबसे बेस्ट बुक रहेगी इस सब्जेक्ट uh, के लिए तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा एल्गोरिथम्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में इज कॉल्ड अ मास्टर्स थ्योरम ठीक है पेज नंबर सेवनटी ठीक है दिस इज योर द कॉन्सेप्ट राइट इस क्वेश्चन uh, right? को सॉल्व करने के लिए आप सिर्फ मास्टर्स थ्योरम से बहुत सेकेंडली बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन को आप यहाँ से सॉल्व भी कर सकते हैं जैसे रिलेशनशिप यहाँ पर गिवन है आपके पास वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ ए वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ के वेल एज वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ पी ठीक है बस इन वैल्यू को चेक करना है और देखना है कि कौन सी कंडीशन यहाँ से मैच करेगी ठीक है जस्ट हैव टू मूच जैसे यहाँ पर चेक करोगे यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो यहाँ पर एट गिवन है और यहाँ पर बी की वैल्यू जो है वो आपके पास टू है ठीक है और यहाँ से आप चेक करूँगी Q और N N की जो वैल्यू है दैट इज़ K की वैल्यू हो गई वन और P की वैल्यू हो गई जीरो ठीक है अगर आप इसको देखने की कोशिश करेंगे इसका मतलब ये हो गया कि P की वैल्यू हो गई आपके पास जीरो K की वैल्यू हो गई यहाँ पर वन और B की वैल्यू हो गई आपके पास टू और A की वैल्यू हो गई आपके पास एट ठीक है बस इन सभी केसेस को आपको चेक करना है कौन सा फेज मतलब कौन सी वैल्यू यहाँ से निकल रही है जैसे पहले आप चेक करना है क्या ए इज़ बिगर देन बी रिस्ट पावर के क्या वो वैल्यू यहाँ पर है तो यानी कि ए की वैल्यू थी आपके पास एट और बी की जो वैल्यू है के uh, की वैल्यू जो है आपके पास वो वन है ठीक है और येस दिस कंडीशन इज़ ट्रू ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू है तो बस हमें बस इस वैल्यू को यहाँ पर रखना है यानी कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी एन रिस्ट पावर लॉग एट ए ए की वैल्यू होगी गई एट और बेस हो गया आपके पास टू यानी कि uh, हम इसको थ्री Uh, यानी कि एन और हम इसको थ्री लॉग टू बेस टू यहाँ पर बोल सकते हैं यानी कि एन क्यूब के आसपास इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सटी यहाँ से हो सकती है तो डायरेक्टली बस इस वैल्यू को यहाँ से पुट करना है अगर स्क्रीन पे आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ तो ये वैल्यू है आपके पास दैट इज़ एन लॉग एट बेस टू यानी कि हम इसको एन थ्री लॉग टू बेस टू हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं एंड दैट इज़ इक्वल टू एन क्यूब तो so, n cube इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ से निकलेगी वी जस्ट हैव टू यूज दिस एल्गोरिथम इस एल्गोरिथम को यूज करना है बहुत इजीली क्वेश्चन को आप यहाँ से सॉल्व किया जा सकता है तो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ठीक है सी इज द करेक्ट आंसर आपको सिर्फ मास्टर्स थ्योरम को ही आप यूज करो दैट्स एनफ ओके चलो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर गिवन टू सॉर्टेड लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स एम एंड एन रिस्पेक्टिवली अगर आपके पास दो सॉर्टेड एलिमेंट्स हैं जहाँ पर एक का साइज एम है दूसरा एन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है आस्किंग द द नंबर ऑफ इन वर्स्ट केस बाय मर्ज मर्ज बाय सॉर्ट विल बी तो ये आपको यहाँ से बताना है कि आपके पास कितने कंपेरिजन्स हमें यहाँ से करने पड़ते हैं ए भी सही आंसर नहीं है सी भी गलत आंसर सही नहीं है द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर डी डी इसका सही आंसर है तो इसको समझाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली किसी का आंसर यहाँ पर सही नहीं आया है तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ एज्यूम करो कि आपके पास दो अरे हैं पहला अरे को मैं एज ए एम की तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कुछ एलिमेंट है यहाँ पर मे बी यू हैव वन वी हैव मे बी थ्री वी हैव फाइव मे बी सिक्स वी हैव सेवन मे बी एट तो ये एलिमेंट है तो कितने एलिमेंट हो गए यहाँ से राइट इंडेक्स लोकेशन जीरो फोर एज वेल एज फाइव यानी कि टोटल आपके पास सिक्स एलिमेंट्स थे टोटल सिक्स एलिमेंट्स हैं फिर हमने एक और अरे को मैंने यहाँ पर बनाया है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है मे बी वी हैव टू वी हैव थ्री वी हैव फोर वी हैव फाइव बेबी वी हैव सिक्स तो इंडेक्स लोकेशन हो गई जीरो वन टू थ्री फोर और इस एलिमेंट को मैं एज ए एन की तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं यहाँ पर टोटल यहाँ पर फाइव एलिमेंट यहाँ पर अवेलेबल है अब मुझे मर्ज करना है तो मर्ज कर लेते हैं यहाँ से और अगर मुझे मर्ज करना है तो टोटल आपका साइज कितना होगा यानी कि पहले आपके पास सिक्स एलिमेंट थे यहाँ पर आपके पास फाइव एलिमेंट्स थे तो इन दोनों केस में वी नीड 11 एलिमेंट्स टोटल totally आपके पास 11 एलिमेंट जो है वो यहाँ पर होंगे तो यहाँ से बना देता हूँ तो ये है ज़ीरो ये वन ये टू ये थ्री ये फोर ये फाइव ये सिक्स सेवन एट नाइन और टेन टोटल आपके पास इलेवन एलिमेंट जो है वो यहाँ से इधर आ गए हैं ठीक है ठीके? अब कंपेरिजन देखो कंपेरिजन कैसे होगा तो एक पॉइंटर लूंगा मैं यहाँ पर आई की तरफ एक पॉइंटर लूंगा यहाँ पर जे की तरफ अब हमें देखना है कितने कंपेरिजन चाहिए होंगे हैं हाउ मेनी कंपेरिजन तो पहले चेक करो हम वन और टू इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे और यू अंडरस्टैंड कि वन छोटा है तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पर रखूंगा और फिर हम यहाँ से आगे पहुंचेंगे ठीक है और ये एक कंपैरिजन हो गया राइट मैं कंपैरिजन को काउंट कर रहा हूँ ये आपका पहला कंपैरिजन जो है कंपैरिजन यहाँ पर हो गया ठीक है फिर हम थ्री और टू को कंपेयर करोगे और आपको पता चलेगा कि टू जो है वो छोटी वैल्यू है तो मैं टू को यहाँ पर डल दिया और मैं जे जो है वो यहाँ पर जा रहा है तो यानी कि दो कंपेरिजन यहाँ पर हो गए फिर दोबारा से मैं थ्री और थ्री को कंपेयर करूंगा तो यहाँ से आपके पास ये वाला थ्री जो है वो यहाँ पर सेम है तो मैंने इस एलिमेंट को यहाँ पर डाल दिया और मैंने आई को यहाँ पर रख दिया है तो टोटल आपके पास तीन कंपैरिजन हो गए ठीक है फिर हम फाइव और थ्री को कंपेयर करेंगे जो थ्री छोटी वैल्यू है तो थ्री को मैंने यहाँ पर रखा और जे यहाँ पर रिप्रेजेंट करा है तो एक और फोर्थ कंपेरिज़न यहाँ पर हो गए ठीक है फिर चेक करो आपके पास फोर और फाइव इन दोनों में से फोर जो है वो छोटी वैल्यू है तो मैंने फोर को यहाँ पर लिखा और जे यहाँ पर आ गया तो हमने एक और कंपैरिजन यहाँ से कर दिया है

फिर दोबारा से सेवन और सेवन को कंपेयर करेंगे तो हम सेवन को यहाँ पर रखा और आई की वैल्यू को यहाँ से इंक्रीज कर दिया एक और कंपेरिजन यहाँ पर हो गया फिर एट और सेवन इन दोनों को कंपेयर करोगे सेवन जो है छोटी वैल्यू थी तो मैंने सेवन को यहाँ पर रखा और अब जो है वो यहाँ से आगे बढ़ चुका है अब जब सारे एलिमेंट यहाँ पर जा चुके हैं अब मुझे कंपेरिजन करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये जो एलिमेंट था इसके अंदर टोटल एन एलिमेंट थे और ये एलिमेंट छोटा था और इसके अंदर टोटल ज़्यादा एलिमेंट थे तो इनके जो लास्ट एलिमेंट जो बचे हुए हैं जितने भी बचा हुआ है यहाँ से इस केस में मुझे डायरेक्टली बस इस वैल्यू को यहाँ से कॉपी करना है तो कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है ठीक है तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर कितने एलिमेंट है टोटल टोटल यहाँ पर सिक्स थे यहाँ पर फाइव थे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है और मे बी वी हैव टेन तो टोटल टेन एक लास्ट एलिमेंट को मैंने छोड़ा था ना तो टोटल आपके पास टेन कंपेरिजन थे जो एलेवंथ एलिमेंट था हम डायरेक्टली उसको रख सकते हैं हम डायरेक्टली एलेवंथ एलिमेंट को हम इस लोकेशन पर डाल दो ठीक है किंतु तो मतलब अगर समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास टोटल एन एम एलिमेंट्स है और दूसरे तरीके से आपके पास एन एलिमेंट है ठीक है इसमें से कोई भी एलिमेंट बड़ा हो सकता है इफ़ आई कैन से द नंबर ऑफ़ एम जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एन तो उस केस में क्या होगा हमें टोटल एम कम्पेरिज़न चाहिए होंगे उसके साथ साथ हमें एन कम्पेरिजन इन दोनों के बीच में होगा और जो बची हुई स्पेस से थी जो बचे हुए एलिमेंट थे वो हमें यहाँ पर रखने पड़ेंगे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ देम इज़ अवेलेबल ठीक है जो बचे हुए एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा बचे एलिमेंट थे वो हमें यहाँ से करेंगे लेकिन वो बचे हुए एलिमेंट कितने होंगे वो होंगे यहाँ पर एम माइनस एन इनको कोई कम्पेरिजन्स की जरूरत ही नहीं है वी डोंट नीड एनी एन कम्पेरिजन इतने कम्पेरिजन्स करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है और अगर हम बोलूँगा कि यहाँ पर एन की वैल्यू जो है वो बड़ा है एज़ कंपेयर टू एन तो उसके इसमें आपके पास एन कंपेरिजन्स uh, थे ठीक है मतलब इन दोनों को जो बचे पहले एलिमेंट है हम लोग इस एलिमेंट को यहां पर यूज कर लो ठीक है इसको कैलकुलेशन को थोड़ा कुछ इस तरीके से मैं इसको बोल सकता हूं क्योंकि शायद कंपैरिजन आपको समझ में आए ठीक है तो टोटल अगर आप चेक करेंगे ना यहां पर वर्स्ट केस में क्या होगा ठीक है वर्स्ट केस हम इसका बेस्ट केस भी हम लोग ले सकते हैं और हम लोग यहाँ से वर्स्ट केस को भी हम लोग लो यहाँ से पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन में वर्स्ट केस बोला है टॉक द वर्स्ट केस अगर बेस्ट केस होगा तो ऑब्वियसली हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आपको एक ही एलिमेंट अवेलेबल है बट अगर वर्स्ट केस है तो वर्स्ट केस कब हो सकता है कि जिम इन दोनों की वैल्यू बहुत सिमिलर है देयर वैल्यूज इज सेम ठीक है सिमिलर वैल्यू है यानी कि दे आर वेरी दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर यानी कि जहाँ पर एम और एन की जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है ठीक है और तब उन दोनों की वैल्यू अलग, अलग अलग आएगी कंपेरिजन होगा तभी आपके पास वर्स्ट केस हो सकता है और वर्स्ट केस का मतलब है कि मैंने सारे एम और एन एलिमेंट को वहाँ पर यूज़ कर दिया और जो बचा हुआ लास्ट एलिमेंट जो भी बचा होगा उसको कंपेरिजन करने की हमें जरूरत ही नहीं है ठीक है इस केस में भी आप चेक करोगे अगर आपके पास एन और एम दोनों की वैल्यू अगर यहाँ पर सिमिलर है तभी आपका वर्स्ट केस होगा अदरवाइज बेस्ट केस तो आप यहाँ से निकाल ही सकते हो ठीक है तो कंपेरिजन हमें वर्स्ट केस के बारे में पूछा गया है ठीक है तो इसी वजह से द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी डी इसका सही आंसर होगा ठीक है अगर मान लो वर्स्ट केस नहीं होता अगर वर्स्ट केस नहीं होता ये सम एवरेज केस होता है हमारे पास लेट अस सपोज कुछ एवरेज केस है तो क्या होगा कि एक एलिमेंट होगा एम दूसरा आपके पास होगा एन और कुछ सम हाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा पहला यूज हो रहा है तो वर्स्ट केस हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं एवरेज निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा इस केस में या तो हम यहाँ से बेस्ट निकालेंगे और जो हमारे पास वर्स्ट केस है उन दोनों को निकालेंगे इन दोनों की जो एवरेज ले लेंगे वो आपके पास एवरेज केस आएगा अब बेस्ट केस क्या होगा अगर कुछ एलिमेंट कुछ ऐसा है कि मेरे पास एक एलिमेंट है जहाँ पर आपके पास सम एलिमेंट एम एलिमेंट अरे अवेलेबल और दूसरा जो अरे है उसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं वी डोंट हैव एनी वैल्यू और अगर है भी तो उसकी वैल्यू सबसे छोटी है जैसे अगर मैं यहाँ बोलता हूँ कि इसकी वैल्यू वन है और यहाँ पर टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये एलिमेंट है तो क्या होगा कि जब आपका बेस्ट केस है तो हमने डायरेक्टली इस एलिमेंट को यहाँ से पुट कर दिया और बाकी सभी एलिमेंट को बस डायरेक्टली कॉपी ही करना है तो आपका बेस्ट केस हो गया ठीक है

विज द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेफरेंस फॉर वर्स्ट केस ऑफ क्विकॉट विजो द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेफरेंस फॉर वर्स्ट केस ऑफ क्विक सॉर्ट क्विक सॉर्ट का जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर क्या रहता है द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी बी आपका सही आंसर है ठीक है फाइन चलो बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन थम कैन बी यूज टू सॉर्ट दीज एलिमेंट इन लीनियर टाइम आपके पास कौन सी एल्कॉर्थम आप यूज कर सकते हैं शॉर्ट करने के लिए इन लीनियर टाइम यस द करेक्ट आंसर इज रेड एक सॉर्ट क्योंकि रेडिक्स सॉर्ट में हमें पहले से पता है कि आपके पास एलिमेंट कहाँ से लेकर कहाँ तक है जनरली जो रेडिक्स सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसमें दो चीज़ें होती है आपके पास जहाँ पर हम ये देखते हैं कि टोटल रेडिक्स की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है और कितना जैसे एन को मल्टीप्लाई करते हैं जिसके अंदर आपका रेडिक्स कितना है ठीक है और रेडिक्स के अलावा भी एक और वैल्यू को हम लोग यहाँ से निकालते हैं बट एज ऑफ नाउ यहाँ पर देखो कि यहाँ पर नंबर ऑफ जो रेडिक्स uh, है सबसे बड़ी डिजिट है कितने डिजिट्स होंगे यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स जो है वो एक कॉन्सटेंट वैल्यू है जनरली कई जगह पर इस फॉर्मूला आपने देखा होगा एंड इज इकल टू डे प्लस डी प्लस के ऐसा कुछ फॉर्मूला कई जगह पर आपने देखा होगा इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ से बट एज ऑ नाउ उसको छोड़ दो क्योंकि हमें क्योंकि हमने कॉन्स्टेंट वैल्यू कोई गिवन है तो हमें यानी कि के वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो दैट विल बी ईजियर ठीक है वो ईजी आपके पास होगा और अगर आप कई बार रेडिक शॉर्ट की अगर आपको डाउट नहीं क्लासेस आपने नहीं देखी है तो मुझसे पूछ भी सकते हैं ठीक है तो आई होप यू अंडरस्टैंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको यहाँ से समझ में आई होगी ठीक है व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द रिलेशन आपके पास ये रेक्रेंस रिलेशन है आपका रिलेशन आपको यहाँ से बताना है ओके सो आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर हियर और आई थिंक जो इसका सही आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी बी शायद इसका सही आंसर होगा इसके दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आई थिंक मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ से मे बी बी और सी दो हैं यहाँ पे मास्टर्स थ्योरम को यूज़ करो और मास्टर्स थ्योरम से आप करेंगे यस सी आई थिंक सी विल बी द करेक्ट आंसर तो दो मेथड है आप सबसे ट्यूशन से यूज़ करें या फिर मास्टर्स फॉरम कुछ भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं अब जैसे इस क्वेश्चन में मैं सब्स्टिट्यूशन से समझाता हूँ यहाँ से तो यानी कि ये आपके पास टी एन है तो रिलेशन यहाँ पर गिवन है एन बाई टू प्लस एन और उसकी बेस कंडीशन है एज्यूम करते हैं कि इफ़ द वैल्यू ऑफ़ एन इज़ इक्वल टू वन तो हमें कॉन्सेट वैल्यू यहाँ से देगा तो यानी कि कुछ ऐसा बोल सकता हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी दैट इज टी ऑफ एन बाय टू बाई टू प्लस एन बाई टू प्लस एन ये वैल्यू यहाँ पर आपके पास आएगी दैट इज इक्वल टू सेइंग टी ऑफ एन बाय टू स्क्वायर प्लस एन बाई टू प्लस एन होगा उसी तरीके से इसका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर आएगी दैट इज टी ऑफ एन बाई थ्री टू रेस्ट पावर थ्री प्लस एन बाई टू स्क्वायर प्लस एन बाई टू प्लस एन यहाँ पर कुछ आपके पास आएगा यस आई थिंक बी इसका सही आंसर है सो बी इज़ अ करेक्ट आंसर जो मैं सी दिया है सी इज़ नॉट अ करेक्ट आंसर यहाँ से देख के मैं पता चल गया तो यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो कुछ रिलेशनशिप आपके पास आएगा टी ऑफ एन बाई टू रेस्ट पावर के प्लस एन बाई टू रेस्ट पावर के माइनस वन प्लस एन बाय टू रेज पावर के माइनस टू प्लस अप टू सो ऑन फिर बी एन ऐसा कुछ होगा ठीक है तो कंडीशन कब रुकेगी इफ द टू रेज पावर के इज इक्वल टू एन देर फोर वी कैन से अगर मैं लोगात्मिक लूँगा यानी कि मैं लॉग टू टू रिज पावर के इज इक्वल टू लॉग एन बेस टू को मैं तो यहाँ से लूँगा तो यहाँ से के वैल्यू होगी यहाँ पर दैट इज लॉग एन तो के की वैल्यू यहाँ पर लॉग इन होगी तो यानी कि उस केस में ये रिलेशनशिप आपके पास होगा टी बाय बाई एन ये वाली निकलेगी एन बाई सो दिस वैल्यू एन बाय टू नेक्स्ट वैल्यूज यहाँ से निकाल सकते हैं ठीक है शॉर्ट नोट अ प्रॉब्लम ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको समझाता हूँ यहाँ से बाय ठीक है तो यहाँ से आपके पास एन बाय टू यहाँ से आपके पास आएगा ये बाब एन बाय ये जो वैल्यू है ना आपके पास ध्यान देना यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से इसका मतलब क्या है कि अगर एन बाई टू रेज पावर के माइनस वन था तो इसका मतलब है कि हम टू रेज पावर के को ही अगर मैं यहाँ से एन माइनस वन बोलूँगा सो दैट वीज एन बाय एन माइनस वन कुछ वैल्यू यहाँ से निकल सकती है, है ना इसको आई थिंक आई शुड स्टेटमेंट तो ये जो वैल्यू थी आपके पास मैं टू रेस्ट पावर के को मैं एन बोल सकता हूँ तो इसका मतलब हो गया दैट इज़ एन बाय टू रेस्ट पावर के बाय एन ऐसा कुछ होगा शायद यहाँ से ठीक है एंड अगेन इसकी वैल्यू हमारे पास की है ठीक है तो इसको हम बाय टू टू ही हम लोग यहाँ से बोलेंगे तो यानी कि कुछ ऐसा होगा एन बाय टू तो दिस वैल्यू इज़ गोइंग टू बी एन डिवाइड बाई टू ऐसा कुछ वैल्यू यहाँ पर आएगी जो कि कुछ वैल्यू आप यहाँ से ऑब्वियसली निकाल सकते हैं यहाँ से ठीक है जो शायद आई थिंक दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी वन बाई टू समिंग ठीक है तो ये शायद वन बाय टू इधर कुछ हो सकता है यहाँ से एन वेज आई थिंक यू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप तो रिलेशनशिप यहाँ से आपके पास आ जाएगा यहाँ से और uh, मैं थोड़ा क्लियरली और समझाता हूँ क्योंकि शायद मुझे लगता है कि कुछ क्लियरली मैं समझाया नहीं है तो फिर से समझाता हूँ यहाँ से तो रिलेशनशिप कुछ ऐसा था टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन बाय टू प्लस एन तो नेक्स्ट रिलेशनशिप यहाँ से होगा दैट इज टी ऑफ एन बाय टू बाय टू प्लस एन बाय टू प्लस एन यहाँ से आपके पास आएगा सो दैट मीन्स टी ऑफ एन बाय टू स्क्वायर प्लस एन बाय टू प्लस एन नेक्स्ट टाइम इसकी वाली होगी दैट इज टी ऑफ एन बाय टू रेस्ट पावर थ्री प्लस एन बाय टू स्क्वायर प्लस एन बाय टू प्लस एन और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ले शिप होगा एन बाई टू रेज टू पावर के प्लस एन बाई टू रेज पावर के माइनस वन प्लस एन बाय टू रेज टू पावर एन माइनस टू प्लस अप टू सोन एन आएगा ठीक है अब मैं क्या करूँगा कि इन सभी में से मैं एन को कॉमन ले लूँगा ठीक है एन की वैल्यू कॉमन कॉमन ले लूँगा अगर मैं एज्यूम करता हूँ इफ़ टू रेज टू पावर के इज़ इक्वल टू एन ठीक है तो एट दैट केस द वैल्यू ऑफ़ के इज़ इक्वल टू लॉग एन ठीक है लॉग एन होगा तो यानी कि कुछ ऐसा बोल सकता हूँ डी ऑफ एन बाय एन यहाँ पर होगा और ये जितनी वैल्यूज़ हैं वहाँ से मैं एन कॉमन ले लूँ तो जो वैल्यूज़ यहाँ पर निकल जाएगी वो कुछ ऐसा ना टू स्पावर के माइनस वन था फिर ऐसे ही आगे जो वैल्यूज़ थी हमारे पास वो एन बाय टू स्पॉवर दैट इज़ वन बाय के माइनस टू होगा प्लस अप टू सो ऑन वन ऐसी कुछ वैल्यू यहाँ पर आएगी तो यानी कि अगर इस वैल्यू को यहाँ पर देखेंगे ठीक है बिकॉज आपके पास इस वैल्यू को देखा था ना जैसे अगर टू एस पावर के माइनस वन है सो दैट इज़ इक्वल टू टू रेज पावर के बाई टू ऐसा इसकी वैल्यू यहाँ से आती है और जो कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास इधर टू आ जाएगा ठीक है तो यहाँ से यू कैन फाइंड टू और, और यानी कि पूरी वैल्यू जो है मैं यहाँ से कुछ एन की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाती है इस तरीके से ठीक है एंड सो ऑन ठीक है इस तरीके से भी आप यहाँ सॉल्व करते हो इट्स द फर्स्ट वे ठीक है पहला तरीका है जो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं और दूसरा चाहे यू कैन रिप्लाई फ्रॉम मास्टर्स थर्म ठीक है मास्टर्स थर्म से ट्राई करेंगे आई थिंक जो इसका आंसर होगा दैट इज़ एन एन ही यहाँ से निकलेगा तो इन टोटल में से क्योंकि जो जो वैल्यूज़ होगी ना वो छोटी होती चली जाएगी राइट दिस इज वेरी स्मॉल वैल्यूज़ ठीक है यानी कि जैसे आपके पास वन बाय टू वैल्यू है नेक्स्ट वन बाय वन बाय टू स्क्वायर होगा फिर आपके पास वन बाय थ्री क्यूब होगा इस तरीके से इसकी वैल्यू यहाँ से निकलेगी और ये जो वैल्यू है बहुत छोटी वैल्यू होगी सो दैट इज़ बाई द करेक्ट आंसर शुड बी बिग ऑफ एन तो यहाँ से बी ही इसकी वैल्यू यहाँ से निकलेगी ठीक है सो बी विल बी द करेक्ट आंसर है फाइन तो यू कैन फाइंड बी इज़ द करेक्ट आंसर देखो यहाँ पर हो क्या रहा है इस पूरे केस के अंदर भी अगर इस स्टेटमेंट को थोड़ा समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर होचा पूछा क्या गया है ठीक है इसको स्टेटमेंट को ही समझने की कोशिश करोगे तो आपको शायद समझ में आएगा यहाँ से कि ये जो वैल्यू है ना जो भी टर्म यहां पर अवेलेबल है एक तो आपके पास एन की वैल्यू है और इस वैल्यू को टू रेस पावर के बाय टू मैं यहां से बोल सकता हूं ठीक है उस तरीके से और फिर मैं इन दोनों की वैल्यू को ही मैं यहाँ से पुट करूंगा कि इसकी वैल्यू है क्या ठीक है तो एवरी टाइम जब भी आपकी ये स्टेटमेंट अवेलेबल है तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू ना बहुत छोटी होती चले जाएगी एवरी टाइम इस समय से जो पहली टर्म है इन सबको तो आप कॉमन ले लो जैसे मैंने एंड को कॉमन ले लिया तो आपके पास इस तरीके से आपके पास आ रहा है वन बाय टू रे पावर के माइनस वन फिर यहाँ से वन बाय टू रे पावर के माइनस टू प्लस इस तरीके से यहाँ पर आएगा और एवरी टाइम जब आप इनको चेक करोगे ना तो इनकी वैल्यू छोटी होती चले जाएगी ठीक है जैसे आपके पास वन बाय टू होगा ऐसे ही आप यहाँ से वन बाय टू स्क्वायर होगा इस तरीके से आपके पास निकलेगा और सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी

So all the last seven year questions we have already covered, we are, we are covering all these questions in this series. And if you like the session, please subscribe to the channel and share with your friends. And at the same time, please install our Android app from the Google Play Store. And you can also use our contact numbers that is 9821876104.